We are in for an amazing race today. The champions will battle it out in the field for an Olympic gold. This is the moment they had been waiting for. मिल्खा सिंह भारत किसान फील्ड पर आ चुके हैं। क्या ट्रैक एंड फील्ड में भारत के ओलंपिक गोल्ड का सपना आज मिल्खा पूरा करेंगे? On your marks. खिलाड़ी अपनी पोजीशन पर तैनात हैं। पहली लेन में है वेस्ट जर्मनी के कार्ल कॉफमैन, फिर अमेरिका से जोसेफ डेविस, भारत के सुपरस्टार एथलीट मिल्खा सिंह आपको पांचवी लेन में नजर आ जाएंगे। दर्शकों को बता दें कि मिल्खा सिंह इस रेस में वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़कर आ रहे हैं। जी हाँ, फ्रांस की रेस आपको याद होगी, 400 मीटर के लिए 45.9 के रिकॉर्ड को बीट करते हुए 45.8 का रिकॉर्ड बनाया था। क्या मिल्खा आज एक बार फिर अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ेंगे? प्लेयर्स आर सेट ऑन द फील्ड, गेट सेट। और खिलाड़ी अपनी पोजीशन से आगे बढ़ चुके हैं तेजी से सभी फिनिश लाइन की तरफ जाते हुए। कोई हैरानी की बात नहीं है कि भारत के मिल्खा सिंह अभी सबसे आगे चल रहे हैं। मिल्खा, ओलंपिक गोल्ड, जो सपना मैंने सालों से पाला था, फिनिश लाइन पर मेरा इंतजार कर रहा था। मिल्खा सिंह आज भी दौड़ नहीं रहे बल्कि हवा में उड़ रहे हैं। 250 मीटर के मार्क पर भी उन्हें पीछे छोड़ता हुआ कोई दिखाई नहीं देता है। अरे ये क्या, मिल्खा सिंह ये क्या कर रहे हैं? क्या मैं जो देख रहा हूँ सही है? जी हाँ जतिन, मिल्खा ने अपनी रफ्तार धीमी कर ली है। ये क्या हो रहा है? दौड़ना मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं था, यही मेरी जिंदगी थी। मैं रोम आने से पहले फ्रांस में दौड़ चुका था, जर्मनी में दौड़ चुका था, और यहां तक कि बंटवारे के वक्त भी। भाग मिल्खा, भाग, भाग मिल्खा, भाग। अपने गांव से जान बचाकर भागने के बाद रोम की रेस शायद मेरी जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण दौड़ थी। मुझे दौड़ना चाहिए था, दौड़ते रहना चाहिए था, लेकिन ये क्या, तेजी से बाकी प्रतिद्वंदी मिल्खा से आगे निकल रहे हैं। ओटिस डेविस, कार्ल कॉफमैन और मैल्कम स्पेंस तीनों मिल्खा से अब आगे हैं। यकीन नहीं होता, मिल्खा चौथे नंबर पर हैं। लेकिन मिल्खा ने हार नहीं मानी है, फिर से गति पकड़ते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ये रेस शायद मैं मैदान में उतरने से पहले ही हार चुका था। ओह, तू जागा हुआ ही है। अच्छा है, क्या कोई परेशानी है? पता नहीं मैनेजर साहब, दो रातों से नींद नहीं आई। कल रेस है तेरी, फाइनल है, ये क्या हालत बनाई है तूने? रेस तो मैनेजर साहब अभी दौड़ा लो, दो बार दौड़ जाऊंगा, ये कल दा इंतजार खाए जांदा है। इतनी चिंता क्यों करता है? तू देश का स्टार एथलीट है, रेस पे रेस जीत के यहाँ तक पहुंचा है, कल भी सब ठीक ही होगा। यही तो परेशानी है मैनेजर साहब, ना जीत सका तो सोएगा नहीं तो यही ख्याल मन में आएंगे। भूल गया दशम बादशाह ने क्या कहा है? दे शिवा बरु मोही है, शुभ कर्मन ते कबू न टरो, न डरो अरिसो जब जाई लरो। निश्चय करी अपनी जीत करो, जब आओ ही आउट निदान बने, अति ही रन में तब जूझ मरो। आजा बाहर घूम के आते हैं, जरूरत से ज्यादा भरा दिमाग भी शैतान का ही घर है, ज्यादा मत सोच। मैनेजर साहब की बात ठीक थी, मैं ज्यादा सोच रहा था। जब मैंने अपने ख्यालों पर काबू किया तो 250 मीटर तक मैं सबसे आगे रहा। यहाँ एक बार फिर मेरे ख्यालों ने मुझे घेर लिया और आखिरकार ये रेस खत्म हुई। मिल्खा सिंह भारत के लिए मेडल लाने में चूक गए हैं, वो चौथे नंबर पर हैं। मैं इस कदर दौड़ता था कि रेस के अंत में बेहोश हो जाया करता था। उस दिन मुझे लगा कि कहीं मैं रेस खत्म होने से पहले ही बेहोश ना हो जाऊं। मैंने अपनी रफ्तार धीमी कर ली, इसके बाद मैं बाकी रेसर्स को नहीं पकड़ पाया। एक कमाल का नजारा हमें यहाँ देखने को मिला है। आज एक नहीं बल्कि चार खिलाड़ियों ने पिछले वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। जी हाँ, चौथे नंबर पर मिल्खा सिंह ने 45.6 सेकंड पर रेस पूरी की है। तीसरे नंबर पर रहे मैल्कम स्पेंस 45.5 सेकंड पर है। पहले नंबर पर ओटिस डेविस और दूसरे नंबर पर जर्मनी के कार्ल कॉफमैन है।
दोनों ने ही सिर्फ 44.9 सेकंड में रेस को पूरा किया है। मेडल ना सही, लेकिन शायद मिल्खा सिंह अपने रिकॉर्ड से आज संतुष्ट होंगे। पूरा भारत आज भी उनके साथ खड़ा है। रोम की हार ने जैसे मुझे आधा कर दिया था। मैं वो एथलीट नहीं रहा था जिसे लोग फ्लाइंग सिख कहा करते थे। मैं शर्म से डूबा हुआ था। अरे मिल्खा बस कर, और कितनी पिएगा? ऐसे अपना शरीर बर्बाद कर देगा तो आगे दौड़ेगा कैसे? मैं अपनी आखिरी रेस दौड़ चुका हूँ, अब और मन नहीं है। क्या बात कर रहा है, अभी छोड़ ये सब। ये सोच, जब लैंड करेगा तो एयरपोर्ट पर इंतजार कर रहे लोग तेरे बारे में क्या सोचेंगे? लोग अरे वो एथलीट के लिए भीड़ जमा नहीं होंगी काके। मेरा सोचना सही था। जब मैं दुनिया भर से मेडल जीत कर आता था तो भीड़ एयरपोर्ट नू घेर लेंदी सी। लोग मैनू अपने कंधे ऊपर उठाने के लिए तैयार रहते थे। उस दिन जब हमारी फ्लाइट बॉम्बे लैंड की तो बस चंद पत्रकार वहां थे। मिल्खा, मिल्खा, आपकी परफॉर्मेंस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए अभी नहीं। मिल्खा, क्या ये सच है कि आप बीच रेस में रुक गए थे? देखिए प्लेयर्स काफी थके हुए हैं, आप हमें वक्त दीजिए, एक डिटेल्ड प्रेस ब्रीफिंग आपको दी जाएगी। मिल्खा, आप कुछ कहना चाहते हैं? मिल्खा, रोम की हार में बर्दाश्त नहीं कर पाया था। घर लौटने से पहले मैंने लंदन, डेनमार्क, स्वीडन और नॉर्वे में भी कई रेसेस में हिस्सा लिया था, लेकिन ओलंपिक मेडल खोने का गम अलग ही सी। मैं ये रेस जीत सकता सी। मैं जानता था कि इतने सालों से जो सपना मैंने पाला है वो 100 मीटर की दूरी पर मेरा इंतजार कर रहा है। अफसोस कि ये दूरी मैं वक्त पर तय नहीं कर सका। मिल्खा, आप कुछ कहना चाहते हैं? मिल्खा, ये आकाशवाणी है। अब आज के मुख्य समाचार। रोम ओलंपिक से लौटने के बाद भारतीय ट्रैक एंड फील्ड एथलीट और फ्लाइंग सिख के नाम से जाने जाने वाले मिल्खा सिंह ने संन्यास लेने की घोषणा की है। मिल्खा सिंह भारत के लिए कॉमनवेल्थ गेम्स और 1958 की एशियन गेम्स में। मिल्खा, क्या ये सही है कि अब आप किसी नए रेस में हिस्सा नहीं लेंगे? क्या ये आपका डिसीजन फाइनल है? क्या मिल्खा सिंह का सफर यहीं खत्म होता है? क्या अगले एशियन गेम्स में हम आपको नहीं देखेंगे? मिल्खा, मिल्खा, ऐसे कई सवाल मुझे घेरे हुए थे। आपके मन में भी ऐसे कई सवाल होंगे। मेरी जिंदगी आगे चलकर क्या मोड़ लेने वाली सी? जानने के लिए सुनते रहिए कुकू FM पर ये खास पेशकश। मैं मिल्खा सिंह। सैतालीस, ये बंटवारे का साल था। सरहद के दोनों तरफ लोग हैवान बन गए थे। मुझे नहीं पता उस दिन मैं स्टेशन कैसे पहुंचा। मुझे प्लेटफॉर्म पर मुल्तान के लिए जो पहली ट्रेन दिखी मैं उस पर चढ़ गया। ये जनाना डिब्बा था, मैं बर्थ के नीचे छिपा था। ओहो, ये बैग। कौन है? चोर। मैं निकल कर उनके पैरों में पड़ गया। नहीं जी, नहीं नहीं, मैं चोर नहीं हूं, और मैनू मार देंगे। यहाँ क्या कर रहा है? मैनू मुल्तान तक जान दो जी, मैनू वो मार देंगे। जुलेखा, रहने दे। हाँ जी, सब ठीक। ट्रेन निकलने वाली है, सब ठीक है? हाँ जी, हाँ जी। मैं जब पैदा हुआ तो ये मुल्क ऐसा नहीं था। दरअसल तब तक कोई दो मुल्क नहीं थे। मुझे नहीं पता था कि मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ हूं। मुझे तो लगता था कि मैं कोट अद्दू तहसील के गोविंदपुरा का रहने वाला हूं। मैं कब पैदा हुआ वो दिन था कि रात मुझे नहीं मालूम। हम गांव में रहने वाले आम लोग थे, ये सब याद नहीं रखते हैं। ओ, कहां लौट आएगा, उसे जंग में भेज देंगे। आए मेरा मक्खन।
सुन रहे हो तुसी? वो जाके फौज च भर्ती हो गया है। आ जाएगा वापस, उसे आना होगा। तो मिल क्या जा अपनी माँ लाई पानी ले क्या। मेरे पिता संपूर्ण सिंह किसान थे जिनके 5 बेटे थे। एक मैं था और मेरे 3 बड़े भाई थे, अमीर, दौलत और मक्खन। जब मैं 8 या 9 साल का था तब स्कूल से लौटने के बाद मैंने देखा कि मेरी माँ रोए जा रही है। मेनू नहीं पता, उसे वापस लेके आ। मेरा भाई मक्खन घर छोड़कर भाग गया था। खबर मिली कि वो फौज में भर्ती हो गया है। दूर समंदर पार यूरोप में युद्ध के बादल छाए हुए थे। मेरी माँ को लगा कि कहीं इस आग में उसका बेटा भी ना कूद पड़े। मेरे 2 भाई तो शादीशुदा थे और पिताजी चाहते थे कि बाकी भी पढ़ लिख जाए। मक्खन के बाद अब उन्हें बस मुझसे ही आस थी। मेरा छोटा भाई गोविंद तो अभी भी बहुत छोटा था। इसके अलावा मेरी 3 बहनें भी थी और सबकी शादी हो चुकी थी। इनमें से सिर्फ मखनी गोविंदपुरा में रहती थी, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा ईश्वर पसंद थी जो सिंध से मेरे लिए मिठाई लाया करती थी। अब जाओ उसे वापस ले आओ। मैं गया था कोडद्दू, कहते हैं कि मक्खन को मद्रास भेज दिया है ट्रेनिंग के लिए। मैंने कहा था उसे जंग में भेज देंगे, उसे बोलो वापस आ जाए। तू फिक्र न कर, मैं जाता हूँ तेरे लाल के पास। इस तरह मेरे पिता भी मद्रास निकल गए। इतनी दूर एक अनजान शहर में वो किसी को नहीं जानते थे। उन्हें तो ये भी नहीं पता था कि मेरा भाई कहाँ रहता है। 2 हफ्तों तक वो लोगों से पूछते रहे कि किसी ने पगड़ी बांधे सिपाही देखे हैं क्या। आखिर में एक दिन उन्हें मक्खन मिल ही गया। फिर पिताजी घर लौट आए, लेकिन मक्खन उनके साथ नहीं आया। क्या हुआ, आप उसे लेकर नहीं आए? मेरा बेटा नहीं मिला क्या? तो फिक्र मत कर, मिला था उससे और खुश है वो, कहता है कि छुट्टियों में घर आएगा। मक्खन की खबर पाकर मेरी माँ की खुशी एक बार फिर लौट आई। कब आएगा? 6 महीने की ट्रेनिंग है, फिर आएगा। तू फिक्र न कर, मिल्खा कितने। कुछ वक्त बाद मैंने भी 5वीं जमात पास कर ली थी। अब मेरे पिता ने मुझे गांव से 7 मील दूर कोटद्दू के सरकारी स्कूल में भर्ती करवा दिया। उन दिनों घड़ियां नहीं हुआ करती थी। सुबह सुबह मुल्तान के लिए जब ट्रेन निकलती थी तो हमें वक्त का पता चलता था। मैं और मेरा दोस्त साहिब सिंह रोज पैदल वहां जाते थे। मिल्खा, tell us, what a noun is? Stand up, tell us. नए स्कूल में अंग्रेजी पढ़ाई जाती थी जो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती थी। फिर 7 मील चलना, कभी ठंड में तो कभी तपती गर्मी में। गर्मी से बचने के लिए मैं धूप में तेजी से भागता था और छांव में रुककर फिर दोबारा धूप में भागने लगता। यही मेरी जिंदगी की पहली दौड़ थी। 2 साल में स्कूल में पढ़ा। एक दिन मैं स्कूल ना जाकर मछली पकड़ने के लिए चला गया। जब मैं घर लौटा तो माँ ने मुझे इशारा किया। मिल्खा, छिप जा, छिप जा, तेरे बापू ने। तभी पिताजी वहां आ गए। आ गया घर, आज कहाँ था, रुक तुझे बताता हूँ। पिताजी को उनके दोस्त ने हमारी खबर दे दी थी। उस दिन बहुत पिटाई हुई। इसके बाद मुझे हर शाम पिताजी को उस दिन की अंग्रेजी का सबक याद करके सुनाना होता था। नाउंस मेक अप द लार्जेस्ट क्लास ऑफ वर्ड इन मोस्ट लैंग्वेजेस। अ नाउन इज अ वर्ड दैट रेफर्स टू अ थिंग, अ पर्सन, एन एनिमल, अ प्लेस। लेकिन अंग्रेजी तो उन्हें भी नहीं आती थी। मैंने एक पैराग्राफ याद कर लिया था और मैं रोज वही एक पैराग्राफ उन्हें सुनाता रहता था। इस तरह से हमारा हंसता खेलता परिवार था। फिर आजादी का जश्न एक शोर बनकर हमारी जिंदगी में आया। अंग्रेज जाते जाते भी हमें धर्म के नाम पर हमें बांट कर चले गए थे। रावलपिंडी और डेरा गाजी खान से आए मुसलमानों ने हमारे पड़ोसियों को भड़काना शुरू किया। हरामजादो, काफिरों को पनाह देते हो? वहां हिंदुस्तान में सुना है हमारे भाइयों के साथ क्या हो रहा है? कह दो उन्हें जाकर कि पाकिस्तान में रहना है तो इस्लाम कबूल ले। हर किसी के अंदर डर बैठना शुरू हो चुका था। मुझे याद है जब हमारे गुरुद्वारे में सभी हिंदू और सिख जमा हुए थे। गांव को घेर कर बैठा है, कहता है मुसलमान हो जाओ, केश त्याग दो, गाय खाना शुरू कर दो, नहीं तो मारे जाओगे। ऐसे कैसे मारे जाएंगे? हमारे घर में आकर हमें कोई कैसे धमका सकता है?
अब ये उनका घर है। कहते हैं कि हम हिंदुस्तान चले जाएं और हमारे खेत कहाँ जाएंगे, ये जानवर भी हिंदुस्तान ले जाए। जो जगह कभी देखी नहीं उसे अपना घर कैसे कहे। हाँ हाँ, और ये दोनों है, देख लेंगे सबको। बंटवारे के कुछ दिन बाद नई सरहदें सामने आने लगी। इस बीच मक्खन के भी ईश्वर की ननद से शादी हो चुकी थी। उसकी रेजिमेंट इस समय मुल्तान में तैनात थी। अब उसने हमारे गांव के खतरे में होने की खबर सुनी तो उसकी कमांडिंग ऑफिसर ने उसे वहां जाने की इजाजत दी थी। कुछ जवानों के साथ वो एक मिलिट्री ट्रक में गोविंदपुरा के लिए रवाना हो गया। जब वो कोट अद्दू तक पहुंचा तो हर जगह आग लगी हुई थी। दंगाइयों की एक भीड़ ने उनके ट्रक को भी घेर लिया। काफिरो, वापस लौट जाओ, हिंदुस्तान भाग जाओ, पीछे हट जाओ, वरना सभी जन्नू पहुंच जाओगे। वहां बनाते रहना हिंदुस्तान और पाकिस्तान। इन धमकियों से डरने वाले लोग नहीं है हम। नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर। लेकिन तभी वहां पर पुलिस आ गई। पीछे हटो, पीछे हटो, क्या तमाशा लगाया हुआ है, वर्दी नहीं दिख रही क्या इनकी, दूर क्यों रहे हो, पीछे हटो वरना एक एक को जेल में ठूस दूंगा, जिंदगी भर पछताओगे। थानेदार फिर मक्खन और उसके जवानों की तरफ बढ़ा। आप लोग हमारे साथ चलिए। जी, आगे भी भीड़ मिल सकती है, आप हमारी हिफाजत में है, यह हथियार हमें दे दीजिए, ये ना हो कि किसी गलत फहमी के कारण हमला हो जाए। पुलिस ने उनके हथियार जमा कर लिए और उन्हें थाने ले गई। थाने ले जाकर उन्हें जेल में बंद कर दिया। मक्खन के जेल में होने की खबर जब मेरे पिता को मिली तो वो दौलत के साथ थाने पहुंच गए। ठीक हूँ पिताजी, लेकिन आपका अभियान रुकना ठीक नहीं। तो क्या करें, भाग जाए। हाँ, अभी के लिए गोविंदपुरा छोड़ दो, किसी महफूज जगह पर चले जाओ, मुल्तान आ जाओ। नहीं पुत, इसी मिट्टी में पैदा हुए हैं, इसे छोड़कर कहाँ जाएंगे। मुंडे दी गल मान लो सरदार जी, वरना बच नहीं पाओगे। मेरे पिता ने भागने से इनकार कर दिया और वो वापस लौट गए। कोट अद्दू के पुलिस वालों ने सिर्फ मक्खन को गिरफ्तार ही नहीं किया था, बल्कि हमारे गांव का नाम और कुछ हथियार भी दंगाइयों को दे दिए थे। गांव को घेरे सैकड़ों भीड़ कुछ ही दूर खड़ी थी। सभी औरतें गुरुद्वारे में शरण लेने पहुंच गई और हमारा सरपंच घोड़े पर सवार होकर भीड़ के पास पहुंचा। सरपंच ने उनके सामने साफ कर दिया कि ना हम लोग गांव छोड़ेंगे और ना ही धर्म बदलेंगे। तभी उसे किसी ने गोली मार दी। इस घटना ने गांव को दहशत में भर दिया। फिर सुबह के 4 बजे भीड़ ने पूरे गांव पर हमला बोल दिया। गांव के हर आदमी ने बहादुरी से उनका मुकाबला किया, लेकिन हमारी लाठियां उनकी बंदूकों और तलवारों के सामने काफी नहीं थी। एक के बाद एक हम लोगों को खोते गए। मैं इधर से उधर जान बचाने के लिए भाग रहा था। मैंने अपने पिता को लड़ते देखा कि कैसे उन्होंने बहादुरी से उनका मुकाबला किया, लेकिन फिर एक घुड़सवार ने उनकी भी जान ले ली। भाग मिल्खा भाग, भाग मिल्खा भाग। मुझे मेरे डर ने जकड़ लिया था। फिर मुझे लगा जैसे मेरी माँ कहीं से चीख रही है। जब मैंने नजर घुमाई तो गुरुद्वारे में आग लगा दी गई थी। मिल्खा भाग, मिल्खा भाग। पिता की आवाज सुनकर मैं दौड़ने लगा। मैं दौड़ता गया और दौड़ता ही गया। रास्ते भर मुझे यही डर लगा रहा कि अभी कहीं से कोई कातिल आकर मेरी जान ले लेगा। मुझे नहीं पता चला कि मैं कब जान बचाते हुए कोट अद्दू तक आ पहुंचा था। मैंने खुद को रेलवे स्टेशन पर पाया। प्लेटफॉर्म पर मुल्तान जाने वाली ट्रेन खड़ी थी। ट्रेन पर खून के निशान साफ देखे जा सकते थे। मुझे जो पहला डब्बा मिला मैं उस पर चढ़ गया। सर, कोट अद्दू में कोई फोन नहीं उठा रहा है। We can't sit here like this. वो मेरे जवान है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आगे के लिए क्या ऑर्डर है सर? वो दो टके का थानेदार, जवानों को कहो कि कोट अद्दू चलने की तैयारी करें। अपने जवानों को छुड़ाने के लिए जल्द ही कमांडिंग ऑफिसर खुद 2 आर्मी ट्रक के साथ कोट अद्दू के अंदर दाखिल हुआ। यहां से मक्खन और बाकी लोग गोविंदपुरा पहुंचे। मुझे बाद में पता चला कि उस दिन अपने घर की औरतों की इज्जत बचाने के लिए अमीर और दौलत ने
अपनी बीवियों और बेटियों को कत्ल कर दिया था। इसके बाद वो खुद भी दंगाइयों के हाथों मारे गए थे। उस रात सिर्फ मेरी बहन हुंदी जिंदा बची थी, जो अपनी एक साल की बेटी को चलते हुए गुरुद्वारे से निकलकर भागने में कामयाब हो गई थी। गोविंदपुर में रहने वाले लोगों की जगह अब चील कौओं ने ले ली थी। लोगों के नाम पर वहां 1500 लाशें बिखरी पड़ी थी, जिन्हें जानवर नोच रहे थे। जब तक मक्खन और बाकी जवान गांव में पहुंचे थे, लाशें भी सड़ने लगी थी। ऐसे में किसी की शक्ल पहचानना भी मुश्किल था। सेना के जवानों ने सभी लाशों को इकट्ठा करके उनके ऊपर केरोसिन डाल दिया। इस तरह जलाकर उनका अंतिम संस्कार किया गया कि शायद मरने के बाद उन्हें शांति मिल सके। मुल्तान पहुंचने के बाद सबसे पहले मैं आर्मी बैरक्स के अंदर अपने भाई के क्वार्टर पर पहुंचा। मक्खन की कोई खबर नहीं थी। मैं और उसकी पत्नी जीत उसका इंतजार कर रहे थे। आ गया, कितने दिन लगा दिए। सारे गांव को आग देकर आ रहा हूं। उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। मेरा सारा परिवार खत्म कर दिया जीते, सारा परिवार खत्म कर दिया। मिल्खा, मिल्खा तू यहां। मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं था। मैं सीधा जाकर उसके गले से लग गया। ओए मिल्खे, तू कब आया? मुझे तो लगा नहीं शेरा, रोना, मैं आ गया हूं ना। सब ठीक है, सब ठीक है। जीते, इसे अंदर लेकर जा, मैं देखता हूं क्या है। होशियार होशियार सारे सिख और हिंदू फौजी, ध्यान से सुन ले। अब उनका और उनके परिवारों का यहाँ रहना महफूज नहीं। आप सभी के परिवारों को हिंदुस्तान भेजने की तैयारी शुरू हो चुकी है। आर्मी के ट्रक कल आपके इंतजार में होंगे। जल्द से जल्द अपने अपने कमांडिंग ऑफिसर को रिपोर्ट करें। बंटवारे के बाद हम न गोविंदपुरा में महफूज थे न मुल्तान में। हर जबान यही कहती थी कि हिंदुस्तान तो जाना ही होगा। उधर हम कहाँ रहेंगे? कुछ दिन तो कैंप में रहना होगा, फिर आगे देखा जाएगा। पर तू फिकर न कर, मिल्खा है तेरे साथ। और आप? मुझे अभी वक्त लगेगा, फौजियों को अभी रुकने के लिए कहा गया है। मिल्खे, ख्याल रखना दोनों का, मैं जल्दी आऊंगा। घबराना नहीं, फौज ख्याल रखेगी तुम्हारा। बंटवारे के साथ ही मेरा बचपन भी खत्म हो गया था। उस आर्मी ट्रक में बैठकर हम हुसैनी वाला फिरोजपुर बॉर्डर की तरफ निकल पड़े। हिंदुस्तान पहुंचकर क्या होगा? ट्रक रुकेगा तो इतने सारे लोग कहां जाएंगे? मुझे नहीं पता था। अब कितो सारे रेफ्यूजी परिवार इधर कैंप की तरफ पहुंचे, यहां पर लाइन लगाकर खड़े हो जाए। रेफ्यूजी, ये शब्द मैंने शायद पहली बार अपनी जिंदगी में सुना था। मैं नहीं जानता था कि यही मेरी पहचान बन जाएगी। अजीब, क्या नाम है आपका? मिल्खा सिंह। परिवार में कौन कौन है? अरे भाई जल्दी जल्दी करो, कौन कौन बचा है परिवार में? जी मेरी भाभी हैं जीत, और मेरा भाई मक्खन। आपकी तरह फौजी हैं वो भी। अच्छा अच्छा, चलो चलो। अगला कौन है? हाँ जी नाम? फिरोजपुर का कैंप एक मंडी की तरह था। हजारों की भीड़ में हर कोई यहाँ अपना खोया हुआ परिवार ढूंढ रहा था। मेरे लिए परेशानी और भी ज्यादा बड़ी थी। जीत, चल चलिए। कहाँ? एक घर मिला है। घर? यहाँ से जाने वाले मुसलमान छोड़ गए थे, बाकी लोग भी ऐसे घर ढूंढ रहे हैं। चल चल। इस तरह अब हमारे सर पर छत तो थी, लेकिन पेट अभी खाली था। मैं वापस आर्मी बैरक्स पहुंचा। सर जी, कोई काम मिल जाएगा? यहाँ सब फौजी हैं लड़के, तेरा कोई काम नहीं है? ओ, मेरा भाई भी फौज में ही है जी। तो तू यहाँ क्या करेगा? बंदूक चलाएगा? जूते पॉलिश भी कर लूंगा जी,
आप जो भी बोलो, बहुत भूख लगी है। वहां छोटे मोटे काम करके पैसे तो नहीं मिलते थे, लेकिन खाना मिल जाता था। यही मैं जीत के लिए भी लेकर आता था। मक्खन की अभी भी कोई खबर नहीं थी। मिल्खा, मिल्खा उठ, पानी भर रहा है, उठ जा। अगस्त का महीना खत्म होते होते मौसम बिगड़ने लगा था। सतलुज का पानी फिरोजपुर की सड़कों तक आ चुका था। नहीं, सब भीग गया है, अब क्या करेंगे? हमारी किस्मत में जो लिखा है वही हो रहा है। अब इसे सुबह देखते हैं। नहीं, अब सुबह हो गई तो मुझे यहाँ नहीं रहना है, दिल्ली चलते हैं। दिल्ली? हाँ दिल्ली, जब ऐसे ही रहना है तो दिल्ली चलते हैं। मैंने सुना वहां काम भी बहुत है। वाहे गुरु। अंबाड़ में जो कुछ भी बचा पाए थे उसे लेकर फिरोजपुर रेलवे स्टेशन पहुंचे। जीत को जनाना डब्बे में जगह मिल गई और मुझे ट्रेन की छत पर सफर करना पड़ा। यहां से मुझे रास्ते भर लाखों की भीड़ दिखाई दी। ये लोग साइकिलों में, तांगों में और पैदल भी सरहद पार जाने की कोशिश कर रहे थे। ट्रेन जब पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंची तो एक नया संघर्ष हमारा इंतजार कर रहा था। हमारी तरह लाखों रेफ्यूजीज वहां पहले से ही मौजूद थे। चलो चलो। चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ हम रेफ्यूजीज को खाना बांटा करती थी। आराम से, धक्का मुक्की मत कीजिए, आराम से आइए। मिल्खा, क्या हुआ, ये चोट कैसे लगी? कुछ नहीं, खाना नहीं मिला आज, शाम को फिर आएंगे। लोगों की भीड़ इतनी थी कि कई बार खाना लेते वक्त भीड़ में लोग कुचल जाते थे। उस दिन बाद मुझे अजमेरी गेट पर 10 रुपए की तनख्वाह पर साफ सफाई करने की नौकरी मिल गई। पर आखिर इस तरह कब तक रहा जा सकता था? स्टेशन पर एक एक दिन गुजारना मुश्किल होता जा रहा था। तभी एक उम्मीद की किरण चाकी, मुझे ईश्वर का पता मिला। मिल्खा। हाँ। बीजी, बीजी, मिल्खा, मिल्खा और जीत आए हैं, सुन रहे हो? जीते पुत्र। तूने कैसे ढूंढा हमें मिल्खा? तुम लोगों को हमने बहुत ढूंढने की कोशिश की। ये बातें बाद में होती रहेंगी, पहले अंदर आ जाओ दोनों। आओ आओ। मक्खन का अभी कोई अता पता नहीं था, लेकिन मुझे लगा कि शायद अब हमारी परेशानियां खत्म हो गई हैं। कुछ ही दिन में मुझे एहसास हो गया कि मैं कितना गलत था। ईशर, ईशर, कहां मर गई है ये? जी बीजी, तेरे पेओ ने एक आवाज लगाने पे सुनना नहीं सिखाया। अच्छा है बेचारा पहले ही मर गया, तेरी हरकतों का पता चलता तो शर्म से ही मर जाना था उसने। मिल्खा, तेवर देखो, दोनों भाई बहन के, दोनों मुफ्त की रोटियां तोड़े हमारे छाती पर बैठे हैं। मिल्खा कहाँ जा रहा है? तू कहाँ जा रही है? पहले जिस काम के लिए बुलाया है वो तो सुनती जा। अपने ससुराल में ईश्वर की हालत बिल्कुल अच्छी नहीं थी। एक तरफ घर का सारा काम उसके सर पर था और दूसरी तरफ उसे ताने सुनने पड़ते थे। छोटी से छोटी गलती पर बात मारपीट तक भी पहुंच जाती थी। मैं क्या करता, मैं मजबूर था। जीत भी अपने घर आकर मुझे भूल गई थी, वो भी अपने बाकी परिवार की तरह ही बर्ताव करने लगी। मीठिया, आज रोटी नहीं खाई? भूख नहीं है। चुप कर, ये ले रोटी खा ले, मैं छुपा के लाई हूँ, ले और दौड़ जा। जैसे जैसे दिन बीतते रहे मैं भी ईश्वर के ससुराल के लिए बोझ बनता गया। मुझे अब दिन में सिर्फ एक बार खाना दिया जाता था। ईश्वर छिप कर कभी कभी मेरे लिए रोटियां ले आती थी जिन्हें मुझे नमक या प्याज के साथ खाना पड़ता था। हमें ये खबर मिल चुकी थी कि मक्खन और उसकी यूनिट भारत आ चुके हैं, इसके बावजूद भी हम नहीं जानते थे कि वो कहाँ है। इन परेशानियों से जूझते हुए ही मेरी जिंदगी में एक उम्मीद की किरण आई। ओए मिल्खिया, सोया ही रहेगा आज भी? जा, नल से 2 बाल्टी पानी ले आ। तुझे किसने कहा है? अपने निठल्ले भाई को बोल लाने के लिए। वो दिन मुझे आज भी याद है। मैं तब 17 साल का हो चुका था जब मुझे पहली बार इश्क का चस्का लगा। वो मोहल्ले में ही रहती थी और मैंने उसे पहली बार पानी भरते हुए देखा। वो नल की लाइन में मेरे पीछे खड़ी थी।
मैंने उसे पहले पानी भरने दिया। अगले कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा और जल्द ही ये खबर मेरे दोस्तों के बीच भी फैल गई। सुना है मिल्का प्यार में है? ओए नहीं ओए, अब प्यार क्यों ना है? ओए नल की लाइन में पहले उसे पानी भरने देना, उसकी बाल्टियां उठाकर घर छोड़ आना। ये क्या है? ओए हमारी बाल्टी भी छोड़ दिया कर यार, हमारे भी पीठ दुखते हैं। आजकल तो वो स्कूल जाती है तो पीछे पीछे यही चल रहा होता है क्या भाई? अरे ओए नहीं यार नहीं ओए, वो तो एक छत पे यही देख रही है। ओ नहीं नहीं, अपना मिल्खा तो शरीफ आदमी है, वो तो मुझे देख रही है। अच्छा ऐसी बात है, तू खत लिख के पूछ क्यों नहीं लेता किसे देख रही है? ओए नहीं ओए यार, मैनू ये सब लिखना नहीं आता। ओए तो फिर हम किस लिए है, तू हाँ तो कर। ओ नहीं नहीं यार नहीं, वो मैं नहीं। आखिरकार एक दिन मैंने अपना दिल का हाल उसे खत में लिख ही दिया। एक गेंद में लपेट कर मैंने उसे उसकी छत पर फेंका। क्या लगता है गेंद वापस आएगी? गेंद तो वापस आ जाएगी, जवाब क्या आएगा? आना की है, ठीक ही आएगा यार। ओए तो धड़कन ना बड़ा मायोगे। हाँ जी दिल बड़ा कमजोर है आजकल सरदार का। देख 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 छत पे फिर से आ गई वो। उस दिन जवाब आया और वही आया जिसकी उम्मीद थी। अब हमारा प्यार परवाज पकड़ने लगा था, लेकिन जल्द ही इसके पर कुतर दिए गए। मुझे याद है कि एक दिन उसके स्कूल के बाद हम लोग टहल रहे थे। स्कूल तो जाता नहीं, सारा दिन करता क्या है? पतंगे लूटता हूँ। पतंग लूट के पेट पालेगा मेरा? तो तू ब्याह करेगी मेरे नाल? तुझसे शादी की तो दहेज में कुछ नहीं मिलेगा। ओ, कोई नहीं जी, रोज बाल्टियां भर के तेरे घर तो नहीं पहुंचानी पड़ेगी। तो फिर ब्याह करोना? अरे मुझे देर हो रही है, घर पहुंचकर बड़ी मार पड़ेगी। कोई ना, मैं हूं ता। नहीं मुझे जाने दो, कल मिलते हैं। वो जवाब तो देती जा। बारात लेकर पहुंच जाना, उसी दिन सोच के बताऊंगी। उस दिन हमें वक्त का पता ही ना चला आज इतनी और उसे घर आने में देर हो गई। देर तो होनी ही थी, उसने पिताजी के साथ मुंह काला जो करवा रही थी। मैं बता रही हूँ ये ऐसे नहीं सुधरेगी। बोल फिर जाएगी उसके साथ? कल मुही तुझे क्या लग रहा है, गली में बाकी लोग देखते नहीं है? नहीं बंद रहने दो इसे अब कुछ दिन, कोई स्कूल भेजने की जरूरत नहीं है इसे, देख लिया हमने क्या पढ़ रही है ये वहां। रात के 2:30 बज रहे हैं, इस लड़की को तो देखो। अब ज्यादा दिन की बात नहीं है, इसका स्कूल छुड़वाओ, कल लड़के वाले आ रहे हैं। ओए मिल्का मिल्का, उसका तो रिश्ता तय हो गया भाई। उसके घर पता चलते ही हमारी कहानी खत्म हो चुकी थी, मैं फिर से अकेला हो गया था। इसी समय मुझे बुरी आदतों के अंधेरों ने भी घेरना शुरू किया। 25 का 100 है, आ जाओ, कौन लगा रहा है? 25 का 100 है भाई। मिल्खे कितने हैं तेरे पास? मेरे पास कहाँ से होने हैं पैसे, 4 आने हैं। आ जा शाबाश, लगाते हैं एक बाजी। नहीं यार मेरे पास और पैसे नहीं है। पैसों की क्या बात है, पैसे तो अभी आ जाएंगे जीत के। वो तो पागल है। नहीं नहीं नहीं, चल आ जा, तुझे पहले पैसे कमाना सिखाता हूँ, उसके बाद तुझसे लूंगा। की अरे तू चल तो यार, तू ट्रेन लूटेगा। वो ट्रेन आती दिख रही है, 15 टन माल जाता है हर बोगी में, यहाँ चीनी की बोरी भी मिल जाती है और फुटबॉल भी, सब बाजार में बेच सकते हैं। इस तरह ट्रेन से सामान चुरा कर बेचना और फिर उस पैसे से जुआ खेलना मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गया था। अगले 8 से 9 महीने तक मैं कुछ इसी तरह भटकता रहा। है? आज क्या है? भाग 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 भाग। ओए, रुको रुको। वो आज पकड़े गए तो लंबा अंदर जाएंगे फिर। मैं अब तक कई बार पुलिस को चकमा दे चुका था, लेकिन उस दिन मेरा दोस्त वहां पकड़ा गया। मैं पुलिस के जवानों से बचकर एक ट्रेन पर सवार हो गया। मुझे लगा था कि शायद अब मैं महफूज हूं,
लेकिन फिर टिकट टिकट। हाँ जी माता जी, टिकट दिखाओ, कितने लोग हैं आपके साथ? मैंने वहां से खिसकने की कोशिश की। हाँ जी सरदार साहब, आप कहाँ आगे जा रहे हो? टिकट? ओ मेरा स्टॉप है जी अगला। काका आधे घंटे बाद है स्टॉप, तू टिकट दिखा। जिसे भागते हुए जवान नहीं पकड़ पाए थे उसे रेलवे के टीटी ने गिरफ्तार करवा दिया। मेरी मजिस्ट्रेट के सामने पेशी हुई। मजिस्ट्रेट का हुक्म था कि या तो मैं 15 रुपए का जुर्माना भरूं या जेल जाऊं। अब पैसा तो मेरे पास नहीं था, इसलिए 3 महीने की जेल की सजा मुकर्रर कर दी गई। हाँ भाई, मर्डर कर क्या है? मर्डर? मुझे बेहद शर्म महसूस हो रही थी। पुलिस का मुझे हथकड़ियों में जकड़ना और जेल में डालना मेरे लिए बहुत शर्मनाक था। इसके कुछ दिनों के बाद ही मैं ईश्वर को अपनी गिरफ्तारी की खबर भेज पाया। 10 दिन तक मैं जेल में था, जहां एक तरफ चोरों और डकैतों के बीच में भी जेल से निकलकर डकैत बनने के ख्वाब देख रहा था, वहीं दूसरी ओर मेरी बहन मुझे छुड़वाने के लिए अपनी बालियां बेच रही थी। हाँ भाई मिल्खा सिंह, आ जाओ, तुम्हें छोड़ रहे हैं। भाई ताला खोलो। ये की गल है जी? जुर्माना भर दिया तुम्हारा, बाहर आके अपना सामान ले लो। इन 10 दिनों में मेरी जिंदगी तो बदल गई थी, लेकिन घर वैसा का वैसा ही था। ईशर को अब रोज ही मार पड़ने लगी थी। मैं भी जेल से लौटने के बाद एक कोने में रहने लगा था। ले जीते, मक्खन दी चिट्ठी आई है, पढ़ तो। क्या है जी? लो जी मैं पढ़ दूं। ले, क्या कहता है? कह रहा है कि दिल्ली में ही पोस्टिंग हो गई है लाल किले में, कुछ दिन में मिलने आएगा। चलो रब भला करे, कुछ सीख अपने भाई से, मुफ्त की रोटियां तो नहीं तोड़ रहा है वो। जब मक्खन घर पर आया तो मैं उसे अपनी और ईश्वर की हालत बताने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाया। उसने इस बारे में अपने ससुराल में भी बात की। जब तक मक्खन घर में था तब तक उनके ताने और ईश्वर की पिटाई दोनों ही रुक गए थे। फौजी के तौर मक्खन भी हमेशा घर पर नहीं रह सकता था। उसके बाहर जाने पर एक बार फिर ईश्वर का शोषण शुरू हो जाता था। अरे मर जा, अरे हाय, 5 किलो दूध डोल दिया, तेरा मरा हुआ पियो आके पिएगा अब इसे। बीजी तू ठहर जा, आज मेरी सोटी कहाँ है? तू जानबूझ के करती है ये सब, मेरे परिवार की दुश्मन बनी हुई है। जब से आई है डंडा कहाँ है मेरा? बीजी नहीं। उस दिन मुझसे ये सब देखा नहीं गया। जो कुछ मैं अब तक दबाता चला आया था वो अचानक से उबल पड़ा। मजीद के कमरे में मक्खन की बंदूक उठा लाया और उनके ऊपर तान दी। दोनों भाई बहन मेरा परिवार खत्म करने में लगे हुए हो, देख अपने भाई को देख। ओए खबरदार, अगर मेरी बहन ने फिर से हाथ लगाया तो। मिल्खा जान से मार दवाना। आंखें तो देखो जरा इसकी, सांप पाल रहे हैं हम। उस दिन के बाद पिटाई रुकी तो नहीं, लेकिन कम जरूर हो गई थी। मैंने भी दोबारा कभी बंदूक उठाने जैसी हरकत नहीं दोहराई। कुछ वक्त बाद मक्खन ने मुझे एक स्कूल में भी भर्ती करवा दिया ताकि मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर सकूं। लेकिन सुरेंद्र पाल। हाजिर जनाब। सोनलाल। हाजिर जनाब। मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह ये आज भी नहीं आया। किताब को हाथ में थामे हुए मुझे साल भर से ज्यादा का वक्त हो चुका था। अब पढ़ाई लिखाई मेरे बस की बात नहीं थी, स्कूल में से गायब ही रहता था। इस बीच मैं फिर से अपनी बुरी आदतों की तरफ झुकने लगा। ये सीखता है तू स्कूल में, ये पत्ते खेलना, 3री दफा पकड़ रहा हूं और स्कूल क्यों नहीं जा रहा? कुछ बनना है ना जिंदगी में? मुझे पढ़ाई नहीं करनी है, मैं कुछ काम कर लूंगा। क्या करेगा? अन तेरे साथ फौज में ले जा। फौज में चोर और जुआरी नहीं आते, मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा था कि अब मैं पढ़ाई तो जारी नहीं रख सकता। इससे पहले कि मक्खन मेरे लिए कोई काम ढूंढ पाता उसे झांसी भेज दिया गया। ये 1949 का साल था जब मेरी तरह कई बेरोजगार नौजवान फौज में भर्ती होने का सपना पाले हुए थे। नौजवान ज्यादा थे और नौकरियां कम, इसलिए मुझे भी कई रिक्रूटमेंट सेंटर से होकर गुजरना पड़ा। मिल्खा सिंह आ गया हो? जी जनाब। यहां खड़े हो जाओ। 5 फीट 9 इंच। अब इधर खड़े हो जाओ। 65 किलोग्राम। मेरी पहली भर्ती लाल किले में ही थी। 500 लड़कों के साथ लाइन में खड़े रहने के बाद
हमारी मेजरमेंट्स लिए गए और फिर हमें 100 गज भागने के लिए कहा गया। छाती फुलाओ, सांस अंदर लो, शाबाश। लेकिन मेरी किस्मत में उस वक्त फौज की नौकरी नहीं लिखी थी। उस वक्त के लिए फिर मैंने एक रबर फैक्ट्री में काम करना शुरू किया। आजा भाई मिल्खा सिंह, अपनी तनख्वाह भी ले ले। मुझे 15 रुपए महीने पर बात हुई थी मुनीम जी, 2.5 रुपए कहाँ गए? तू छुट्टी पर भी तो था 2 दिन। तब तो मैं बीमार था ना जी, हमारा काम नहीं कर रहा था ना, फिर हमें क्या मतलब, जितना किया उतना दे रहा हूँ। हाँ जी, शहंशाह आलम आ गया है, रात के 9 बजे ही सही। ओए शर्म कर लिया कर, तेरी अपनी बहन का घर है, आजा खाना खा ले। आज तनख्वाह मिलनी थी ना? डाले। कितने हैं ये? रुपए कम लग रहे हैं। 2 दिन बीमार था, 2.5 रुपए काट लिए उन्होंने। 2.5 रुपए 2 दिन के? मुझसे झूठ बोल रहा है। अरे हमारे यहाँ खाना पीना रहना, और भी झूठ बोलकर अपनी जेब भी भर रहा है। देखो इस मुफ्त खोर को, एक दिन हमें भी बेच देगा ये, और खबर नहीं होगी। मिल्खा खाना लग गया है। रुक रुक रुक, भैंसों को चारा डाल दिया है जी, इसके बाद वहीं जा रही हूँ। ये रोटी भी साथ ले जा, भूखी रहकर वो भी कभी दूध देना ना शुरू कर दे। पर एक बात में सुना नहीं क्या? खाने का मुझे ज्यादा दुख नहीं था, ऐसे भी सूखी रोटियां और प्याज के अलावा मुझे मिलता ही क्या था। लेकिन मैं फिर नाकाम रहा। सारा दिन काम करने और खाना सही से ना मिलने पर मेरी तबीयत भी बिगड़ने लगी। अब मेरे लिए ये सब जारी रख पाना मुमकिन नहीं था। या तो फैक्ट्री में मर जाऊंगा या घर पे, मैंने फौज में भर्ती होना है। कोशिश चल रही है ना? मैं दूसरी बार फेल हो गया, इस बार अगर मैं सिलेक्ट नहीं हो पाया। इस तरह भाई को धमकी देकर मैं कश्मीर पहुंचा। ये नवंबर 1952 का वक्त था। मेरे भाई की मदद से जल्दी ही यहाँ मेरा सिलेक्शन भी हो गया। सभी नए रिक्रूट्स को पहले श्रीनगर ले जाया गया। हाँ फौजियों, ट्रेनिंग शुरू होने वाली है। हाँ खुशी बहुत। आप कहाँ जाना है? वो तो अक्ति बताएगा। हमें श्रीनगर से पहले पठानकोट भेजा गया। इसके बाद एक लंबा सफर तय करते हुए मेरी आखिरी मंजिल सकंदराबाद में इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोर सेंटर में बनी। यहीं पर हमारी यूनिट तैनात थी और यहीं पर हमारी ट्रेनिंग की जानी थी। एक नए सफर की तरफ मैं चल चुका था। कई ठोकरें खाकर मैं फौज तक पहुंचा था और यहां हुए कई एक्सीडेंट्स ने मेरी जिंदगी का रुख मोड़ दिया। कैसा था ट्रेनिंग का वो दिन, आगे जानते हैं। सूखी रोटियां और प्याज के अलावा मुझे मिलता ही क्या था। मैंने एक बार फिर फौज में जाने की कोशिश की, लेकिन मैं फिर नाकाम रहा। सारा दिन काम करने और खाना सही से ना मिलने पर मेरी तबीयत भी बिगड़ने लगी। अब मेरे लिए ये सब जारी रख पाना मुमकिन नहीं था। मैं यहां नहीं रह सकता। क्या क्या हुआ? मैं तो या तो फैक्ट्री में मर जाऊंगा या घर पे, मैंने फौज में भर्ती होना है। उसके लिए कोशिश चल रही है ना? मैं दूसरी बार फेल हो गया, इस बार अगर मैं सिलेक्ट नहीं हो पाया तो देख लेना सारे खानदान का नाम खराब कर दूंगा। हो जाएगा, तू कश्मीर आ जा, यहाँ कैंप लगने वाला है, बाकी मैं देखता हूँ। इस तरह भाई को धमकी देकर मैं कश्मीर पहुंचा। ये नवंबर 1952 का वक्त था। मेरे भाई की मदद से जल्दी ही यहाँ मेरा सिलेक्शन भी हो गया। सभी नए रिक्रूट्स को पहले श्रीनगर ले जाया गया। हाँ फौजियों, ट्रेनिंग शुरू होने वाली है। हाँ खुशी बहुत। आप कहाँ जाना है? वो तो अक्ति बताएगा। हमें श्रीनगर से पहले पठानकोट भेजा गया।
इसके बाद एक लंबा सफर तय करते हुए मेरी आखिरी मंजिल सकंदराबाद में इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोर सेंटर में बनी। यहीं पर हमारी यूनिट तैनात थी और यहीं पर हमारी ट्रेनिंग की जानी थी। एक नए सफर की तरफ मैं चल चुका था। कई ठोकरें खाकर मैं फौज तक पहुंचा था और यहां हुए कई एक्सीडेंट्स ने मेरी जिंदगी का रुख मोड़ दिया। कैसा था ट्रेनिंग का वो दिन आप भी जानते हैं। उठो 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 बॉयज, परेड ग्राउंड इन 20 मिनट्स। रोल कॉल, विजय प्रताप सिंह। ओ यार, ये सब तो ठीक है लेकिन फटीग ड्यूटी नहीं होती। गड्ढे खोदो, आलू छीलो, ये मजदूरों की तरह सड़क बनाओ। चुप एंड शूट। ओ यार, हम सिपाही हैं या नौकर हैं? हमारा काम बंदूक चलाना है। तो ढंग से चलाते क्यों नहीं? तुम्हारे हाथ में कर्ची ही बेहतर है। तुम दोनों यहाँ से फ्री होके ग्राउंड के 10 चक्कर लगाओ। लेकिन जनाब, मरवा दिया ना। कोई ना यार, 10 चक्कर ही है। वेट्स के साथ क्यों 10 चक्कर लगा के कम लग रहे हैं? ओ नहीं 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 जनाब, फौज की जिंदगी डिसिप्लिन से भरी होती है। ट्रेनिंग के दौरान हर चीज का समय फिक्स था। सुबह 5 बजे उठना, उसके बाद परेड हाजिरी और फिजिकल ट्रेनिंग। इन सब में मुझे नॉन मिलिट्री जॉब्स, जिन्हें वहां फटीग ड्यूटी कहते थे, बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी। सभी जवान ध्यान से सुन ले, कल रविवार के दिन 6 मील की दौड़ रखी गई है। सभी सिपाही कल 10 बजे ग्राउंड में मौजूद रहेंगे। इसमें हमें क्या मिलेगा? पहले 10 में आने पर फटीग ड्यूटी माफ है, 1 ग्लास दूध भी फालतू मिलेगा। उस रात मैं और मेरे दोस्त सिर्फ इसी रेस की बातें करते रहे। ये फटीग ड्यूटी हमेशा के लिए माफ है? हाँ, मतलब रिटायर होने तक। अब ये मुझे नहीं पता। छोड़ा यार, ऐसा की बात कर रहे हैं। ऐसा सोच, कल पंजाबियों की इज्जत का सवाल है, किसी को आगे नहीं बढ़ने देंगे। 6 मील में तो मैं बेहोश हो जाऊंगा यार। इससे हमें क्या मिलेगा? कोई ना, होश में आकर फिर दौड़ना शुरू कर देंगे। फटीग माफ है, दूध मिल गया, इज्जत भी बचानी है, और की चाहिए। अगले दिन जब रेस शुरू हुई तो पहले 2 से 3 मील तक मैं सबसे आगे भागा। जब थकान होने लगती तो मैं रुक जाता और फिर कुछ देर बाद दौड़ता। इसी तरह यूं गिरते पड़ते मैंने रेस पूरी की और पहले 10 में पहुंच गया। ये 10 लोग जो आज यहाँ जीतते हैं, उन्हें अब आगे की रेस के लिए ट्रेन किया जाएगा। यूनिट की पूरी कोशिश रहेगी कि यहाँ से बहादुर सिपाही नहीं, बढ़िया एथलीट्स भी निकले। ट्रेनर अभी पहुंचा नहीं? वो देख, दौड़ तो रहा है रेस में। कितना? सबसे आगे आज भी गोली की तरह दौड़ता है। हमारे ट्रेनर का नाम हवलदार गुरुदेव सिंह था। गुरुदेव सिंह 15 साल से आर्मी के साथ था और कई रेसेस दौड़ चुका था। चलो चलो लड़को, रोज 6 मील दौड़ना है, आज तो पहला ही दिन है। कहीं रुक जाते यार। अरे हरामजादो, भागो, अपने लिए नहीं तो यूनिट के लिए दौड़ो। गधो, हमारी कंपनी फर्स्ट आनी चाहिए, समझे? गुरुदेव सिंह की डांट में भी प्यार था। वो हमें जितनी गालियां देते, हम उतने ही बेहतर होते जाते। कुछ ही हफ्तों में इसका नतीजा भी मैदान पर नजर आना शुरू हो गया। कल क्रॉस कंट्री रेस में मुझे कोई पीछे नजर नहीं आना चाहिए, समझेगी? नहीं जी। यही मौका है दिखाने का कि यहाँ इतने दिनों से क्या कर रहे हो तुम। ट्रेनिंग शुरू होने के 6 हफ्तों बाद ही सेंटर में क्रॉस कंट्री रेस ऑर्गेनाइज की गई थी। सभी को हैरान करते हुए मैं इस रेस में 2 नंबर पर आया। गुरुदेव सिंह भी इस रेस में हमारे साथ दौड़ रहा था और पहला नंबर उसी का था। शाबाश मिल्खा, शाबाश, बहुत अच्छी दौड़ थी। जी शुक्रिया ट्रेनर साहब। 2 हफ्ते में एक और रेस है, दौड़ेगा? बिल्कुल दौड़ांगा। ओए ब्रिगेड मीट है, हैदराबाद और सिकंदरबर की सारी यूनिट्स ने आना है, नाक तो नहीं कटवाएगा ना? थोड़ा नाम खराब नहीं होने दूंगा उस्ताद जी। चल फिर कल सुबह आ जा, नई ट्रेनिंग शुरू करनी है। ब्रिगेड मीट के लिए एक नई चुनौती मेरा इंतजार कर रही थी। अगली सुबह मुझे बताया गया कि मैं 6 मील के क्रॉस कंट्री इवेंट में नहीं दौड़ रहा हूँ।
400 मीटर दौड़ना है मिल्खा, वो भी तेज। 400 मीटर? 400 मीटर यानी ट्रैक का एक चक्कर। बस एक चक्कर? क्यों, कम लग रहा है? एक चक्कर क्यों जी, मैं तो 20 चक्कर दौड़ सकता। ओए डंगर दी औलाद, एक ही चक्कर में 20 जितना जोर लगाना है समझे? तेज दौड़ना है, बिल्कुल गोली की तरह। चल आ जा। आओ जी। चल पहले एक राउंड से शुरुआत करते हैं, जितनी तेज हो सके एक चक्कर पूरा कर। हरदयाल स्टॉप वॉच लिया, मिल्खा स्टार्टिंग लाइन पर जा। पहले प्रैक्टिस रन में ही मैंने अपने जूते निकाल दिए और नंगे पैर स्टार्टिंग लाइन पर पहुंचा। जूते कहाँ है तेरे? ऐसे ही दौड़ने दो ट्रेनर साहब। चल आ जा। रेडी सेट गो। लड़के में दम तो है, काफी तेज दौड़ रहा है, वो तो अभी पता चलेगा। 63 सेकंड, शाबाश मिल्खा। हमें एक मिनट से नीचे आना मिल्खा। एक चक्कर और दौड़ा। एक मिनट सांस ले ले फिर दौड़ना। दम तो है पर अभी इस गधे को घोड़ा बनाने में वक्त लगेगा। अगले कई दिनों तक मैं जी जान लगाकर प्रैक्टिस करता रहा। मुझे तो 6 मील दौड़ने की आदत थी, इसलिए हर दिन मैं ट्रैक के कई चक्कर लगाता था। मेहनत रंग लाई। जब तक मीट का समय आया मेरा टाइम 1 मिनट से कम हो चुका था। आई ब्रिगेडियर एसपी वोरा, द कमांडिंग ऑफिसर डिक्लेयर द मीट ओपन। आजा मिल्खा, टाइम नहीं है, चेंज कर लो सब। मार्च के वक्त हम लोग सोल्जर यूनिफॉर्म में थे। हम तेजी से वहां से भागे और अपनी स्पोर्टिंग किट्स में चेंज करने लगे। और एक गलदा से आ रहा, वो काले कोट इच कौन है? काला कोट? वही यार, इंडिया आड़ा। हम भी तो इंडिया से हैं, हार आड़े में ये में क्यों लिखा है? अपनी यूनिफॉर्म तो यूनिट की है, वो तो देश को रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा। हाँ, सबके सब इंटरनेशनल एथलीट है, बड़ा जलवा रहता है इनका। ओ यार मैनू भी वो कोट चाहिए यार। चोरी तो कर नहीं सकते दोस्त, दौड़ना ही पड़ेगा। सभी 400 मीटर की दौड़ में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से अनुरोध है कि वो ट्रैक पर पहुंचे। चल चल तेरी बारी है। उस ब्रिगेड मीट का नजारा भूले ही नहीं भूलता था। ट्रैक पर सभी खिलाड़ी मौजूद थे, कुछ इंडिया के ब्लेजर वाले भी थे तो कुछ ने पिछले मीट्स में मेडल जीते हुए थे। 4000 दर्शकों की नजर हम पर थी और इन एथलीट्स के बीच में मैं गांव का देहाती नंगे पैर खड़ा था। 400 मीटर के इस इवेंट में हम सभी का इस्तकबाल करते हैं। रैंडम तरीके से प्लेयर्स को उनकी लेन असाइन कर दी गई है। जी हाँ, सभी प्लेयर्स अपनी पोजीशन पर हैं और धमाकेदार तरीके से रेस की शुरुआत खिलाड़ियों ने कर दी है। सभी खिलाड़ी एक दूसरे को पकड़ने की ताक में हैं, लेकिन सोहन सिंह इस वक्त सबसे आगे चल रहे हैं। जी हाँ, ये रेस काफी कॉम्पिटिटिव है। आप देख सकते हैं मिल्खा सिंह जो नंगे पैर भाग रहे हैं, वो धीरे धीरे बढ़त हासिल करते जा रहे हैं। जी बिल्कुल, ये एथलीट आज अपनी अपनी यूनिट की आन बान और शान के लिए दौड़ रहे हैं। सिख रेजिमेंट के सोहन सिंह को पकड़ पाना मुश्किल नजर आ रहा है और उन्होंने फिनिश लाइन क्रॉस कर ली है। इस रिजल्ट पर किसी को आश्चर्यचकित होना नहीं चाहिए। सोहन सिंह ऑलरेडी नेशनल चैंपियन है। उनके पीछे दूसरे नंबर पर एक और इंटरनेशनल एथलीट प्रीतम सिंह है। उन्होंने भी भारत को कई रेस में रिप्रेजेंट किया है। क्या शानदार खिलाड़ी और क्या शानदार रिजल्ट रहा। ब्रिगेड मीट की दौड़ में मैं 4थे नंबर पर रहा। मैं निराश जरूर था लेकिन मैंने अपना हौसला नहीं गिरने दिया। ब्रिगेड मीट के रिजल्ट के कारण मुझे सिकंदराबाद के कोचिंग कैंप में जाने का मौका मिला। इसके बाद मैं बॉम्बे में भी गया जहां सदन कमांड मीट में मुझे 4x400 मीटर की रिले रेस में भाग लेना था। जो शेरा, काफी नाम हो रहा है, बॉम्बे तक हो आया। नाम तो तब होगा जब प्रैक्टिस करने को मिलेगी। आज सिकंदराबाद लौटकर टाइम ही नहीं मिलता है। काम को ही प्रैक्टिस समझ ले यार, वैसे भी तो दौड़ना ही है सारा दिन। नहीं यारा, बाकी एथलीट्स में देख कैसे दौड़ते हैं, कैसा शरीर बनाया हुआ उन्होंने। मेहनत करनी पड़ेगी और सही से करनी पड़ेगी अगर उन्हें हराना है। तो क्या करेगा? मुझे ये तो नहीं मालूम था कि आगे क्या करना है, लेकिन मैं जानता था कि इस तरह से तो काम नहीं चलेगा। अब मैं रात को अपना खाना वापस अपने कमरे में लाने लगा। मैं खाना अपने बेड के नीचे छिपाकर प्रैक्टिस करने चला जाया करता था।
400 मीटर के 5 से 6 राउंड में अलग अलग स्पीड्स में हर रात भागने लगता। यहां से लौटकर ही मैं नहाता और फिर खाना खाता था। सुनो, डिनर के बाद हमारे कमांडिंग ऑफिसर को वॉक पर जाने की आदत थी। एक दिन उन्होंने मुझे जब दौड़ते हुए देखा तो अपने पास बुला लिया। इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं? दिन में प्रैक्टिस का समय नहीं मिलता जनाब। नाम क्या है तुम्हारा? मिल्खा सिंह जनाब। कुछ करते हैं, किसी दिन मुझसे आकर ऑफिस में मिलो। इस मुलाकात का मेरे करियर पर बहुत बड़ा असर पड़ने वाला था। जल्द ही ब्रिगेडियर वोहरा ने मेरे कंपनी कमांडर से बात की, जिसने एक ICO से कहकर ब्रिगेडियर के इंस्ट्रक्शंस में मेरे उस्ताद गुरदेव सिंह तक भी पहुंचा दिए थे। ओए, तुझे दिक्कत थी तो मुझसे आकर नहीं कह सकता था? अफसरों से शिकायत लगा रहा है तू? पर क्या, अब दिन में प्रैक्टिस करना, तेरी फटीग ड्यूटी माफ हो गई है, अब सिर्फ दौड़ना है सरदार। जी, मैं काफी खुश था, लेकिन इस खुशी के मौके पर भी मेरी मुश्किलें कम नहीं हुई थी। ब्रिगेडियर वोहरा ने मुझे मिलने के लिए कहा था, लेकिन उनके ऑफिस तक पहुंचना आसान नहीं था। जी, ब्रिगेडियर वोहरा से मिलना है, उन्होंने बुलाया था। जी, क्या नाम है? मिल्खा सिंह। हमारे पास तो आपका नाम नहीं है, आप एक बार JCO साहब से मिल लीजिए। जी, वो कहाँ मिलेंगे? अभी तो वो राउंड पर हैं, आज शाम तक भी बिजी हैं, तो आप कल आइए। इन देखिए, मुझे तो ब्रिगेडियर वोहरा से मिलना है, उन्होंने ही बुलाया, आप डायरेक्टली उनसे ही बात कर लीजिए एक बार। देखिए, आप डायरेक्टली उनसे नहीं मिल सकते हैं, प्रोटोकॉल तो प्रोटोकॉल है, कल JCO साहब से मुलाकात कर लीजिए। ब्रिगेडियर वोहरा से मिलना अपने आप में एक चुनौती बन गई, लेकिन मुझे किसी भी तरह से उनसे मिलना था, उन्होंने खुद मिलने के लिए बुलाया था, ऐसे में मेरा ना जाना कोई गलत सिग्नल भेज सकता था। ब्रिगेडियर वोहरा इस बीच क्या सोच रहे थे और मेरा आगे क्या होने वाला था, ऐसे भी कई सवाल मुझे घेरे हुए थे। करीब एक हफ्ते तक भटकने के बाद आखिरकार मुझे ब्रिगेडियर वोहरा से मिलने का मौका मिल ही गया। आओ मिल्खा, बैठो, बहुत दिन लगा दिया आते आते, सब ठीक? जी। ट्रेनिंग के लिए वक्त मिल पा रहा है? जी जनाब, अब सब अच्छा है। बढ़िया, तुम एथलेटिक्स में अपना करियर बनाना चाहोगे? जी। अरे भाई, प्रोफेशनल स्प्रिंटर की तरह हम सोच रहे हैं कि तुम्हें एक एथलीट की तरह ट्रेन किया जाए, तुम तैयार हो? बिल्कुल सर। मुझे यही सुनना था, मैं ऑर्डर्स दे रहा हूँ कि तुम्हारी डाइट का खास ख्याल रखा जाए और तुम्हें फ्री टाइम भी मिले, इसके अलावा जो भी फैसिलिटीज तुम्हें चाहिए होगी वो सब मिल जाएगी, अब जाके बस फौज का नाम रोशन करो। इस एक मीटिंग ने मेरे लिए कई नए दरवाजे खोल दिए थे, अब मेरी किस्मत मेरे अपने हाथ में थी। दिसंबर 1994 की EME स्पोर्ट्स सेंटर मीट में मुझे मेरी पहली जीत मिली। 400 मीटर की दौड़ में 52 सेकंड के टाइम के साथ मैं पहले नंबर पर था। अब एक बार फिर ब्रिगेड मीट की बारी थी। ओए, वो देख, सोहन सिंह, चल 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 चल, उसके पास चलते हैं। क्यों? वो बात करेंगे यार, मुझे भी पूछना है इंडिया वाला कोड कैसे मिलता है। नहीं नहीं, तू जा। अरे चल ना यार। हेलो जी, माइसेल्फ मिल्खा सिंह, 400 मीटर। अरे तुम पिछले साल भी थे ना? हाँ जी हाँ जी, इस बार भी मैं ज्यादा मेहनत करके आया हूँ, आपकी तरह मुझे भी ये इंडिया वाला कोट चाहिए। बहुत अच्छे, मेहनत करते रहो, कुछ साल में तुम्हें भी मिल जाएगा। सभी 400 मीटर की दौड़ में हिस्सा लेने वाले, चलो मैं निकलता हूँ, बेस्ट ऑफ लक। सिकंदराबाद की मीट और ब्रिगेड मीट के बीच सिर्फ एक महीने का ही वक्त था, लेकिन मेरी टाइमिंग्स में इम्प्रूवमेंट देखी जा सकती थी। एक बार फिर इस ब्रिगेड मीट में सोहम सिंह ने नंबर 1 एथलीट होने का अपना दावा मजबूत किया है। 49 सेकंड के टाइम के साथ जहां सोहम सिंह पहले नंबर पर है, वहीं दूसरे नंबर पर हमारे पास एक नया सुपरस्टार है। जी हां, 50 सेकंड के टाइम के साथ मिल्खा सिंह इस बार दूसरे नंबर पर है। अच्छी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाते हुए मिल्खा सोहम सिंह के पास उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करने पहुंचे हैं। लगता है सोहम आज किसी जल्दी में थे, मिल्खा के आने से पहले वो अपने साथियों के साथ ट्रैक से दूर हट गए थे। मेरी कामयाबी जल्द ही कुछ एथलीट्स के लिए खतरे की घंटी बन गई।
आने वाले दिनों में सोहन सिंह ने मुझसे बात करना भी छोड़ दिया और मेरे साथ ट्रेनिंग करने से भी इनकार कर दिया। कुछ हफ्तों बाद मुझे सदन कमांड की मीट के लिए पूना जाना पड़ा। मिल्खा, कल की रेस बहुत जरूरी है। फर्स्ट आने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन दिमाग में नहीं रखना है। जी उस्ताद। और हाँ, सोहन सिंह ने 400 मीटर से अब अपना नाम वापस ले लिया, यही तेरा मौका है। जी, नाम क्यों वापस लिया? तू छोड़ उसे, उसने 800 मीटर भागना है, तू अपनी रेस पर ध्यान दे। सोहन सिंह के पीछे हटने के बाद मेरे लिए इवेंट थोड़ा आसान हो गया था। इस बार 400 मीटर की रेस में मैंने 49.4 सेकंड्स में पूरी की। मैं आसानी से पहले नंबर पर रहा और भीड़ की तालियों ने मेरा आत्मविश्वास भी बढ़ाया। अब मेरा अगला स्टॉप अंबाला था। कंबाइंड सर्विस मीट में आप सभी दर्शकों को और खिलाड़ियों का स्वागत है। भारत के सबसे बेस्ट एथलीट को यहाँ पर देखा जा सकता है। हमारे साथ आर्मी की नॉर्दर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न और सदर्न कमांड से कई एथलीट आए हैं। इसके साथ साथ नेवी और एयरफोर्स के एथलीट्स भी इन मुकाबलों में शामिल होंगे। 400 मीटर का इवेंट जल्द ही शुरू होने वाला है। कहने की जरूरत नहीं है कि दर्शकों में सबसे ज्यादा उत्साह जोगिंदर सिंह को देखने के लिए है, जो नेशनल लेवल चैंपियन रह चुके हैं। अम्बाला की रेस में मैं दूसरे नंबर पर रहा। यहाँ मैं जीतने वाले जोगिंदर सिंह से सिर्फ कुछ ही यार्ड की दूरी पर था। इस रेस के कारण मैं पटियाला में होने वाली नेशनल गेम्स के लिए भी क्वालिफाई कर गया। और तेज। क्या हुआ? कुछ नहीं जी। रुक, देखने दे मुझे, पत्थर चुभा है, डॉक्टर के पास चलना पड़ेगा। ओ नहीं जी, नहीं उस्ताद जी, मैं निकाल लूंगा, ट्रेनिंग नहीं रुकनी चाहिए। ओए रुक तू, मैं निकालता हूँ, थोड़ी तकलीफ होगी। चल, पत्थर मैंने निकाल दिया, अब डॉक्टर को दिखाते हैं। ओ नहीं नहीं उस्ताद जी, खड़ा तो हुआ नहीं जा रहा, चुप कर और डॉक्टर पे चल। हरदयाल, इधर आ और कंधा दे। मैं नहीं जानता था मेरी किस्मत मेरे साथ अब क्या नया खेल खेल रही है। नेशनल गेम्स के शुरू होने से बस दो दिन पहले ही मैं घायल हो गया था। पटियाला के यादवेंद्र स्टेडियम में आप सभी का स्वागत है। 1956 की ये नेशनल गेम्स देश भर से आए एथलीट्स के लिए एक अहम इवेंट है। बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं, देश भर के बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी और ट्रैक एंड फील्ड के कई बड़े धुरंधर यहाँ पहुंचे हैं। अब पटियाला के महाराज यादवेंद्र सिंह आधिकारिक तौर पर इवेंट के ओपन होने की घोषणा करेंगे। मुझे याद है वो माहौल, इतना बड़ा इवेंट मैंने पहले नहीं देखा था। यादवेंद्र स्टेडियम बैनर्स और फ्लैग से ढका हुआ था। इवेंट शुरू होने से पहले सैकड़ों कबूतर आजाद किए गए और गुब्बारों को भी हवा में छोड़ा गया। फिर महाराज यादवेंद्र सिंह के भाषण का वक्त था। यहाँ पहुंचे सभी एथलीट्स को मैं शुभकामनाएं देता हूँ। हमें उम्मीद है कि आप सभी अपनी क्षमता से ज्यादा ही परफॉर्म करेंगे। आपको यहाँ पर यह भी याद दिलाना बेहतर होगा, इन गेम्स में अच्छा परफॉर्म करने वाले एथलीट्स को इस साल ऑस्ट्रेलिया में होने वाली ओलंपिक्स गेम में क्वालिफाई करने का भी मौका मिलेगा। जहां एक तरफ एथलीट्स अपनी इवेंट्स की तैयारी कर रहे थे, मैं डॉक्टर्स को मनाने में लगा हुआ था। मिल्खा, जख्म गहरा है, तुझे शूज पहनकर दौड़ना चाहिए था। इस हालत में तुम्हारा दौड़ना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वही तो मैं समझा रहा हूँ इसे डॉक्टर साहब। मनु तोड़ लेने दोस्त जी, नहीं तो फिर शरीर का की फायदा है। आने वाली रेस नहीं दौड़नी है, यहाँ दौड़ के लंगड़ा हो गया तो क्या एक टांग पे जाएगा ओलंपिक्स? कोई ना जी, पर कोशिश तो फर्ज है ना। अरे तूने नहीं मानना है, कर ले फिर अपनी जिद पूरी। आप ये क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब, आपको लगता है मेरे मना करने से ये रुक जाएगा? उस्ताद की बात सही थी, उस वक्त मेरे ऊपर कोई पैतरा काम नहीं करने वाला था। मैंने रेस में भाग लेने की ठान ली थी, लेकिन रेस का नतीजा मेरे हक में नहीं रहा। Dear Your Highness, these are the finest in 400 meter race. Meet Alex Silveria from Bombay. ये पहले नंबर पर थे। बहुत अच्छा दौड़े आप। Congratulations. Loginder Singh, former national champion, silver medal. Hello. Congratulations, young man. And Harjeet Singh from Punjab Police, bronze medal. Very good. आप भी मेहनत जारी रखिए। आइए अब आपको basketball team से मिलवाते हैं। वो लड़का यहाँ दिखाई नहीं दे रहा? जी। वही जो नंगे पैर दौड़ रहा था।
जी मिल्खा सिंह, वो फोर्थ पोजीशन पर था। हाँ, कहाँ है वो? बिल्कुल हवा की तरह दौड़ रहा था, काफी अच्छा स्टाइल है उसका। मैं रेस तो हार चुका था, लेकिन महाराज यादवेंद्र को मेरा दौड़ने का तरीका पसंद आया। उन्होंने बैंगलोर में ऑर्गेनाइज किए जाने वाले ट्रेनिंग कैंप में मेरा भी नाम शामिल करवा दिया। इस तरह मेरा रेस में हिस्सा लेने का फैसला भी सही साबित हुआ। यहीं पर मैं बलदेव सिंह जैसे कोचेस से मिला। आप सब भारत के बेस्ट एथलीट्स में से एक हैं। अगले 3 हफ्तों तक इस ट्रेनिंग कैंप में आप लोग दुनिया से कम्पीट करना सीखेंगे। याद रखिए, यही मेहनत आपको आने वाले ओलंपिक्स में भी जाने का मौका देगी। बैंगलोर के श्री कंतीरवा स्टेडियम में हमारा यह कैंप लगाया गया था। यहाँ पर हमें फिजिकल ट्रेनिंग तो करवाई ही जाती थी, पर साथ ही टेक्निकल साइड पर भी फोकस किया जाता था। कैसे एक रेस शुरू करनी है, कैसे आखिरी 100 मीटर पर तेजी से एक्सेलरेट करना है, मैंने ये सब यहीं सीखा। मिल्खा, इधर आओ। यस सर। ये कब तक तुम नंगे पैर दौड़ते रहोगे? तुम्हारे पास शूज नहीं है? मुझे ऐसे ही ज्यादा बेहतर लगता जी। तुम बेवकूफों जैसी बातें कर रहे हो, तुम्हें शूज पहनने चाहिए। कितने सालों से दौड़ रहे हो? 3 साल से जनाब। अमेजिंग, कल से तुम स्पाइक में दौड़ना शुरू करोगे। कुछ दिन प्रैक्टिस करोगे तो कंफर्टेबल हो जाओगे। मुझे हमेशा से ही नंगे पैर दौड़ना पसंद था, जो मेरे पैरों को आजाद कर देते थे। इस समय स्पाइक शूज भी नए नए स्पोर्ट्स में इंट्रोड्यूस किए गए थे। कोच की बात मानकर मैंने स्पाइक्स में प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी। जल्द ही मुझे एहसास हो गया कि मैं कितना गलत था। स्पीड निकल के आ रही है? हाँ जी। कल ट्रायल रेस में देखते हैं, बड़ी उम्मीदें हैं तुमसे। 3 हफ्तों के कैंप के बाद ट्रायल रेस ऑर्गेनाइज की गई। मैंने इस बार 400 मीटर की दौड़ 48.2 सेकंड्स में कंप्लीट की। जोगिंदर सिंह और मैंने सेम टाइम पर रेस पूरी की थी। हम दोनों पहले नंबर पर थे। इस तरह जो लोग दूसरे और तीसरे नंबर पर थे, उन्हें तीसरे और चौथे नंबर पर भेज दिया गया। बैंगलोर के कैंप के बाद हमें एक बार फिर पटियाला भेजा गया, जहां पर आखिरी सिलेक्शन होना था। हर तरफ मिल्खा सिंह का नाम छाया हुआ है काके, बस अब एक रेस और। मेरी कामयाबी ने बहुत से लोगों को जलन से भर दिया था। सिलेक्शन रेस से पहले मुझे एहसास हुआ कि खिलाड़ी शॉर्टकट लेने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। मैं उस रात गहरी नींद में सोया हुआ था। बोरीडाल, बोरीडाल! कौन है? कौन है? ओए, कौन है? ओए, 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 एक बार मेरे सामने आओ बुझ्दिलो। मर, मर, टैन पे, टैन पे। ओए, ओ छोड़, ओ छोड़, सामने आ, ओए। कोई आ रहा है, भागो, भागो, भागो! मिल्खा, मिल्खा, क्या क्या हुआ? कौन आया था यहाँ? ओए, कौन सा बुजदिल था? सामने आओ सालो। अब कुछ दिन आराम करो। आराम तो कल के बाद ही हो पाएगा डॉक्टर साहब। नहीं नहीं, इस हालत में तो दौड़ना छोड़ो। मैं तो कहूंगा कुछ वक्त चलना भी अवॉइड ही करो। तू बता एक बार, किसने किया है? मैनू नहीं पता जी। पता तुझे सब कुछ है, किसी का करियर खत्म होता है तो होने दे। अरे देख तेरी क्या हालत बनाई हुई है उन्होंने। इसलिए तो कल दौड़ना है उस्ताद जी। मिल्खा, दिस इज रेकलेस। बड़ी मेहनत के बाद मौका मिला है, यहाँ तक आके एक ही टांग तक पहुंचा हूं डॉक्टर साहब। अब तो मंजिल बस सामने ही है। मुझे ये पता था कि मेरे ऊपर कौन हमला करवा सकता है, लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं था। यही वजह थी कि मैं चुप रहा। अगले दिन मैं जब स्टार्टिंग लाइन पर पहुंचा तो कुछ खास चेहरे मेरी तरफ घूम गए। उनकी आंखों में जो चल रहा था वो सिर्फ मैं पढ़ सकता था। एथलीट्स, 2 मिनट्स टू गो। आज ये दौड़ पाएगा? पता नहीं, लेकिन अगर आज दौड़ गया तो फिर नहीं रुकेगा। सभी स्टार्टिंग लाइन पर आ जाइए। ओलंपिक्स का सपना सामने था। सालों की मेहनत और यूनिट की इज्जत दांव पर थी। ये मौका मैं नहीं जाने दे सकता था। ऑन योर मार्क्स, रेडी,
गोली की आवाज सुनकर जब मैं भागा तो शरीर से सारा दर्द गायब हो गया। मैं हवा से बातें करता हुआ दौड़ रहा था। मुझे हराने की साजिश रचने वालों के चेहरे तब पूरी तरह से लटक गए जब मैं रेस में पहले नंबर पर आया। शाबाश मिल्खा, शाबाश, अब तुझे कोई नहीं रोक सकता। आज हम सब बहुत खुश हैं। हमारे यूनिट से एथलीट मिल्खा सिंह भारत को ओलंपिक्स गेम्स में रिप्रेजेंट करेंगे। अभी तक तो मैंने सिर्फ ओलंपिक्स तक आने को ही मंजिल माना हुआ था। अब जब मैं ओलंपिक्स में जा रहा था तो मुझे ये तक नहीं समझ में आया कि पांच लड़के और मैरी लीला राव नाम गया। कब तक सोएगा? सारे मेडल सपने में ही जीत लेगा क्या? ओए सोन दे यार, वो कब तक पहुंचेंगे? अभी 3 दिन लगे, 2-4 घंटों का सफर थोड़ी ना है। 3 दिन के सफर के बाद हम बॉम्बे के चर्च गेट स्टेशन पर पहुंचे। यहां से हमें एस्टोरिया होटल ले जाया गया। ऐसा होटल मैंने पहली बार जिंदगी में देखा था। इतनी बड़ी जगह, एक तरफ एक पॉश रेस्टोरेंट था तो दूसरी तरफ बार। हमारे मैनेजर बनकर कमांडर रेखी भी हमारे साथ थे। ध्यान से सुनो लड़कों, आप एथलीट्स की तरह नहीं हिंदुस्तान के दूत बनकर वहां जा रहे हैं। आपको देखकर आपके देश को जाना जाएगा। आपका हर एक कदम वहां उनके लिए हिंदुस्तान की तस्वीर पेंट करेगा। क्या सभी इस जिम्मेदारी को समझते हैं? तो चलिए पहले ये देखते कि वहां डिनर कैसे करना। हमें तो खाना खाना आता ही है, हम बच्चे थोड़ी ना है। अरे चुप कर डंगर, वहां लंगर में नहीं बैठना है, ऑफिशियल डिनर होंगे। 100 से ज्यादा देशों के लोगों से मिलना जुलना होगा, वहां छुरी कांटे से खाना पड़ेगा। अगले कुछ घंटों में कमांडर रेखी ने हमें टाई के नॉट बांधने से लेकर डिनर टेबल पर बैठने तक सभी कुछ सिखाया। और ये लोग औजारा वगैरह नहीं खा सकते, वो खाना खाने के लिए भी इतना सब कुछ। अगर चीन में ओलंपिक होया होता तो क्या डंडिया तोड़कर खाना पैंदा? सीख ले, नहीं तो वहां भूखा ही मर जाएगा। मिल्खा, आज द डिनर? गुड सर। जब इन्हीं चीजों में मुझे वक्त लग रहा था तो आगे का सफर आसान नहीं होने वाला था। मेरी मुश्किल भी सुबह होटल से निकलते ही शुरू हो गई थी जब हमें लेने के लिए एक बस वहां पहुंची। बॉयज एंड गर्ल्स, आप सभी अपना सामान बस में रख दीजिए, 10 मिनट में हम निकल रहे हैं। मिल्खा जी सर, ये बिस्तर बंद क्यों ले जा रहे हो? सिर्फ लगेज लेकर चलना है। पर सर, चलो चलो, टाइम वेस्ट मत करो, फ्लाइट नहीं छूटनी चाहिए। यार मोइंद्रा, बिस्तर तो उन्होंने यथे रखा लिया, असी सोएंगे कितों? पता नहीं यार, मुझे भी बड़ा टेंशन है। ऑस्ट्रेलिया में तो मौसम भी काफी अलग होगा, बर्फ पड़ रही होगी तो। केड़ी माड़ी गल कीती है, बर्फ पड़ रही होगी तो गेम्स कैसे होंगे भाई? होंगे तो मुझसे मत पूछ सवाल, मुझे नहीं पता कहाँ सोएंगे। मोहिंदर हमारा ट्रिपल और लॉन्ग जंप का खिलाड़ी था। हम दोनों को फ्लाइट में भी एक साथ ही सीट मिली। हमारे पूरे ग्रुप में सिर्फ मैरी लीला राव ही थी जो पहले फ्लाइट में बैठी हुई थी। प्लेन अभी रनवे पर टैक्सी ही कर रहा था कि हमारी हरकतें अब बाहर आने लगी। चलना शुरू हो गया क्या? लग तो रहा है। बड़ी धीरे चल रहा है, और फिल्मों में तो बड़ी तेज दिखाते हैं भाई। वाहेगुरु, सब ठीक ठाक ही हुआ है वाहेगुरु, सब तोड़े यात्रा विच है। अब चल रहा है, अब तेजी से चल रहा है। ओए, ओए बाहर वे कोई, वे आगे, आगे, ओए, वो फायर है। सर, आप पहले बैठ जाइए। मिल्खा, मुझे जाजे चाग लगी है सर, तुसी वार वे को दुआ कर दा प्या। सर, आप बैठ जाइए, ऐसा कुछ नहीं है। कैसी बात कर रहे हो मैडम, ये मेरी सीट से देखो, बाहर सब धुआं धुआं हो रहा है। वो फ्यूल जल रहा है सर, ये बिल्कुल नॉर्मल है, आप शांत हो जाइए। फ्यूल? नहीं तो और कैसे चलेगा प्लेन, शांति से बैठ जाओ दोनों, लंबी फ्लाइट है, सो जाओ। सफर वाकई लंबा था, लेकिन मेरी नींद तो उड़ चुकी थी, मेरे लिए सोना मुश्किल हो गया। मेलबोर्न पहुंचने से पहले हम 6 घंटे के लिए सिडनी भी रुके थे। यहाँ हमें शहर का एक टूर भी दिया गया। यहाँ मैंने देखा कि यह देश भारत से कितना अलग है। हमारे यहाँ पर लड़के लड़कियां आपस में बात भी कर लें तो अफवाहें उड़ना शुरू हो जाती थी और लोग नजर फेरने लगते थे। ऑस्ट्रेलिया में कपल्स खुलेआम शहर में घूम रहे थे, यहाँ लड़कियों का पहनावा भी काफी अलग था।
इसके बाद हम मेलबोर्न पहुंचे जहां हमारे रुकने का इंतजाम था। वो येनु ओलंपिक्स विलेज क्यों बोल रहे हैं? जगह तो यह बड़ी शानदार है, स्विमिंग पूल है, ट्रेनिंग सेंटर है, सिनेमा हॉल, डांस हॉल सब तो है। कमरे थोड़े छोटे हैं ना। ओए मिलिट्री बैरक्स होंगी ना, आधी पलटन एक कमरे च रुकी होंगी। शुक्र कर रब दा अभी कल्ला रह रहा है। खाना खाने चलना है। ओलंपिक्स विलेज के अंदर ही एक रेस्टोरेंट भी था जहां अलग अलग तरह की डिशेस सजाई जाती थी। मैंने इतना खाना कभी अपनी जिंदगी में नहीं देखा था, लेकिन मैं वहां दाल रोटी और सब्जी के लिए तरसने लगा। और अब भारतीय खिलाड़ियों का दस्ता भी मार्च में शामिल हो चुका है। हाथ में तिरंगा लिए ये नौजवान मेलबोर्न की धरती पर इस झंडे को सबसे ऊपर लहराता हुआ देखना चाहेंगे। मेलबोर्न का ये ऐतिहासिक स्टेडियम भी दर्शकों से खचाखच भरा हुआ है। सभी टीम्स का काफी गर्मजोशी से स्वागत किया जा रहा है। भारत में तो मैंने बहुत नाम कमा लिया था, अब मुझे इंटरनेशनल स्टेज पर कुछ करके दिखाना था। 400 मीटर की दौड़ में अलग अलग देशों से करीब 150 एथलीट शामिल होने पहुंचे थे। हमें 6 अलग अलग ग्रुप्स में बांट दिया गया। हर ग्रुप में पहले 3 नंबर पर आने वाले खिलाड़ी ही अगले स्टेज के लिए क्वालिफाई कर सकते थे। मिल्खा, चार्ल्स जेनकिंस यहाँ पास वाले कमरे में ठहरा हुआ है। जेनकिंस, वो 400 मीटर में गोल्ड वाला? ओ हाँ, ओए गोल्ड जीतने का तरीका वो ही बता सकता है। तो बात की तूने? वही तो दिक्कत है यार, अंग्रेजी में तो हाथ तंग है मेरा, उन्हें कुछ समझ की में आएगा यार। इसमें क्या बड़ी बात है, जाके बस बोल देना हेलो माईसेल्फ मिल्खा सिंह 400 मीटर्स। और आगे? अरे उसे भी तो कुछ कहने दे, सियाने लोगों की बात बस सुननी चाहिए। चुप कर यारा, तुम अंग्रेजी आंदी है ना, तो चल फिर मेरे साथ। नहीं नहीं, मैं क्या बात करूंगा? ओ मैनू बात करनी है यारा, बस सुन के मैनू बताता रहियो। चलो फिर। अभी कैसे पता? सो मिस्टर जेनकिंस, व्हाट डज दिस विन मीन फॉर यू एंड योर कम्युनिटी बैक होम? वी माइट हैव टू पॉज द इंटरव्यू, लेट मी चेक द डोर। Sure. Yes. बोल बोले। May I help you in any way? Hello sir, this is Milka Singh. 400 meters. Timing 48 seconds. Want to be like you and need talk? Oh hello. I'm in the middle of an interview. Do you want to come in? अंदर आने के लिए बोल रहा है। Thank you sir जी. Come in. चला जा। Interview के बाद Jenkins हमारे पास आया। So what is it that you want to talk about? Yes, talk about timing, sir. 48 seconds. What? How to go low, sir? Like you? Okay, you want to know about my running? And training, sir. Diet. Chakkar mein chikna hai, bhai. Aur how many rounds? Everything. Tips for improvement. Sure, sure. The most important thing for an athlete is to... Sir, write down, sir. What? Write down, please, so we can remember tomorrow also. Okay, do you have a pen? Pen, paper, tere paas kuch hai? Mere paas kahan se hoga? Ma'am, you leaving? Do you have pen and diary? Pen, to write. Sure, take it. Aisi tooti phooti angrezi mein humne kuch der aur baat ki. Jenkins ka kehna tha ki ek athlete ke liye sabse zaruri hai rose practice. इसके साथ साथ उसने हमें अपना पूरा ट्रेनिंग शेड्यूल भी एक कागज पर डिटेल में लिख कर दिया। जेनकिंस के साथ हुई मेरी इस मुलाकात ने मुझे दोबारा आत्मविश्वास से भर दिया था। मैं एक बार फिर मेहनत करने के लिए तैयार था।
मेरी रेस तो खत्म हो चुकी थी, लेकिन मेलबोर्न में हमें अभी कुछ दिन और रुकना था। मैंने देखा कि किस तरह वहां पर एथलीट्स को स्टार्स की तरह ट्रीट किया जा रहा था। ओलंपिक्स विलेज के बाहर हमेशा ही लोगों की भीड़ रहती थी। हम जब भी वहां से गुजरते थे, लोग हमसे मिलने के लिए आया करते थे। ऑटोग्राफ प्लीज। ओ मोइंदर की कैंडी होए। यस वांट ऑटोग्राफ पेन। ऑटोग्राफ मांग रही है तेरा। उदा की काम है नू? कुछ नहीं, ले तू बस साइन कर दे। पहले तो मुझे ऑटोग्राफ देने के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन धीरे धीरे फिर आदत पड़ गई। अब हम दोनों को ही इस खेल में मजा आने लगा था। तूने कितने साइन किए? 15। मुझे तो आज एक फैमिली मिल गई थी, 10 तो उनके साथ आए लोगों ने ले लिए। ओ तेरी ओए। इस बीच लोग हमें अपने घर भी बुलाया करते थे। एक मिस्टर स्मिथ और उनकी फैमिली से हमारी अच्छी दोस्ती हो गई थी। उन्होंने एक दिन हमें डिनर पर बुलाया। ओ कम ऑन इनसाइड यू टू, क्रिस्टीन, मैरी। अभी बातचीत होने लगी थी कि हमने देखा कि वो लोग टेबल पर खाना लगाने लगे हैं। उस दिन हमें पता चला कि डिनर पर बुलाने का मतलब क्या होता है। ओए ओए, आज तो पूरी तावत सजा के बैठे हैं। तूने पहले क्यों नहीं बताया? मुझे कौन सा पता था यार। हम दोनों ही खाना खाने के बाद वहां पहुंचे थे और मोहिंदर ने यह बात उन्हें समझाने की कोशिश की। जब टूटी फूटी अंग्रेजी से काम नहीं चला तो वो इशारों पर आ गया। Why is he rubbing his belly? Might be hungry. They are high performance athlete. Well, dinner is ready. You two can have as much as you want. क्या कह रही हो ये? पता नहीं, पर लगता है अब तो खाना ही पड़ेगा। डिनर के बाद मिस्टर स्मिथ की बेटियां क्रिस्टीन और मैरी हमारे पास आई और उन्होंने हमें डांस के लिए इनवाइट किया। ओलंपिक्स विलेज के अंदर भी एक बॉल रूम था जहां हम पहले डांस करने से शर्माते थे, लेकिन धीरे धीरे हमने वहां अपने भांगड़े से रंग जमाना शुरू कर दिया। यहां पर लेकिन हम डांस करने से झिझक रहे थे। नो, वी डोंट नो डांस। नो प्रॉब्लम, आवर गर्ल्स विल टीच यू। कलशेरा, तू पहले जा। पहला तू जाओ, तेनू अंग्रेजी भी आंदी है, तू समझ जा बेटा। नहीं यार, ऐसे कैसे लड़कियों के साथ। कम टेक माय हैंड। पढ़ ले हथियारा। कम, यू कैन डांस विद मी। श्योर। पुट योर राइट फुट हियर एंड से 1, देन पुट योर लेफ्ट फुट हियर एंड से 2, 1 2 1 2 1 2 1 2। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, शर्म के बादल हमारी परछाइयों से दूर हो गए। अब हम भांगड़ा छोड़कर फॉक्स ट्रॉट करने लगे थे। वह काफी वक्त गुजारने के बाद हम की तरफ वापस लौटने लगे। 1 2 1 2 कैसे करते हैं जरा बताना। चुप कर यार, उन्हें तो अंग्रेजी आंदी है। उन्हें बताया क्यों नहीं कि हमने खाना खाया हुआ था? वह छोड़ यार, मजा आया ना? और तो आया वीरे। अगली बार उन्हें अपने बॉल रूम में बुलाना है क्या? और तो रहन दे, तेरी अंग्रेजी सुन के कहीं और ना पहुंच जाए वो। आने वाले दिनों में हमने उन्हें विलेज में भी इनवाइट किया और उन्हें बॉल रूम में ले गए। यहाँ पर बाकी इंडियंस भी मौजूद थे जिनके सामने हमारी शर्म फिर लौट आई। हमने उस दिन उनके साथ डांस करने की हिम्मत नहीं की। एक एथलीट के तौर पर मुझे दुनिया भर में ट्रैवल करने का काफी मौका मिला। इस बीच में दूसरी फील्ड्स के इंटरनेशनल एथलीट से भी मिला। ऐसी ही एक मुलाकात कोलंबो में थी। इंडियन वुमेन वॉलीबॉल टीम की लड़कियां, उनकी कैप्टन निम्मी ने हमें एक मैच देखने के लिए भी इनवाइट किया। मेरे लिए ये मुलाकात काफी खास साबित हुई। अरे यार, इतनी जल्दी? अभी तो मैच शुरू होने में 2 घंटे हैं। हाँ जी, मुझे भी यहाँ पहुंचकर एहसास हुआ। फिर सोचे आप आ गया था टीम से मिलने। अभी तो मुझे आपको निराश ही भेजना पड़ेगा, टीम प्रैक्टिस में लगी हुई है तो। ओ नहीं नहीं जी, कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक, मैं वहाँ स्टैंड्स में मौजूद रहूँगा। खेल में आपको निराश नहीं करेंगे। मैं तो अभी से ही नहीं हूँ। निम्मी को खेलता देखकर ऐसा लगता था कि वो जैसे विरोधी टीम को अकेले ही जीत कर सकती है। मैं उससे एक बार फिर मिलने का बहाना ढूंढने लगा और यहाँ मेरा टी मैग्नेट दोस्त दलजीत सिंह सतारा काम आया।
मैंने उससे कहा कि वो इंडियन वॉलीबॉल टीम के लिए एक रिसेप्शन रखे। उसने अगले दिन मेरी रेस के बाद का समय तय किया और इनविटेशंस भेज दिए। मिल्खा, अरे आप भी रेस देखने आई हैं? हाँ, खासकर आपको सुना है आप बहुत तेज दौड़ते हैं। मुझे धीरे दौड़ांगा तो टीम तक कट देंगे। मैं आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर रही हूँ ना, अगर आपको रेस से पहले टाइम चाहिए तो। ना जी, तुसी लोड ना लो, जितनी तैयारी की जा सकती थी मैंने कर ली। दौड़ने के लिए मोटिवेशन चाहिए होता है। अब आप यहाँ है तो किसी और को तो रेस जीतने नहीं दूंगा मैं। मतलब? देश की इज्जत का सवाल सी, हमारे फेलो एथलीट्स के सामने कैसे हार जाऊंगा। All players for the 400 meter event, please assemble at the starting line. मुझे चलना चाहिए। हाँ जी, जरूर। फिर कब मुलाकात होगी? आज शाम को। आप भी रिसेप्शन में मौजूद रहेंगे? हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है, फिर मिलते हैं। निम्मी के होते हुए सवाल ही नहीं था कि मैं रेस हार जाता। मैंने जब फिनिशिंग लाइन क्रॉस की तो सबसे पहले क्राउड की तरफ देखा। निम्मी के चेहरे पर खुशी की एक लहर दौड़ गई। इसके बाद डिनर के बाद हम मिले। हमने मेरी रेस पर बात की। उसे हर एक बात बहुत डिटेल में याद थी। मैं काफी इम्प्रेस था। तो वापस लौटकर आप सिकंदराबाद में होंगे? शायद जी, अभी तो हमारी यूनिट पटियाला में। मैं भी वही हूँ। है तो बहुत सोनी गला है। फिर मुलाकात करनी हो तो? एक और इवेंट में क्वालिफाई करना पड़ेगा। ये भी एक अच्छा बहाना है, हर मुलाकात पर आपको मेडल लेते हुए देखेंगे। मैं आपके लिए भी यही उम्मीद करता हूँ, पर हर बार ट्रायल देने की जरूरत नहीं है, असी फोन तो भी गला कर सकते। मेरे पास नंबर लिखने के लिए पेपर नहीं है। जी, मैं देखता हूँ। मुझे आसपास कोई पेपर नहीं मिला, तब मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसी पर अपना नंबर लिख दिया। मेरे छूने से वो शर्मा गई थी और आसपास देख रही थी। उस दिन मेरे मन में इतना कुछ चल रहा था कि पूरी रात मैं सो नहीं पाया। फिर अगले दिन वो भारत वापस लौट गई। हेलो, कब लौट रहे हो मिल्खा? दो दिन में। मैं स्टेडियम आ रही हूँ। और वहाँ से कहाँ चलेंगे? कहीं और क्यों जाना है? वहाँ रहने में कोई परेशानी है? नहीं जी, बस ऐसे। क्यों, कोई देख लेगा? निम्मी ने मुझे पटियाला के यादवेंद्र स्टेडियम में बुलाया था, जहाँ हम ट्रेनिंग किया करते थे। मैं दो दिन बाद पटियाला पहुँच गया। मिल्खा, तेरे लिए फोन है। ओए, ओए, आया, ओए, आया, 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 कहाँ हो? जी, मिल्खा सिंह जी बोल रहे हैं। हाँ जी, आप कौन? जी, मैं पटियाला में कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन का प्रिंसिपल हूँ। हमारे कुछ स्टूडेंट्स आपकी ट्रेनिंग देखने के लिए आना चाहते हैं। अच्छा जी, आप शायद हमारे स्टूडेंट से तो पहले भी मिल चुके हैं। निर्मल वॉलीबॉल टीम की कैप्टन है वो। हाँ जी, हाँ जी, मैंने कोलंबो में उनकी टीम को देखा है। बहुत शानदार खेल रहे जी, खासकर निम्मी। मेरा मतलब है निर्मल। हम भी उसे निम्मी ही बुलाते हैं। ठीक है जी, आप भेज दीजिएगा उन्हें, हम ख्याल रखेंगे उनका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस तरह से किसी को शक नहीं हुआ कि निम्मी सिर्फ मुझसे मिलने के लिए वहां आना चाहती है। इसके बाद भी स्टेडियम में जब हम दोनों की टीम्स प्रैक्टिस कर रही होती थी तो हम मिला करते थे। ये एक रिश्ते की शुरुआत थी, लेकिन इसे फलने फूलने के लिए वक्त की जरूरत थी, जो मेरे पास नहीं था। लंबे समय तक मैं एक जगह पर नहीं रहना चाहता था। इवेंट्स के लिए मुझे दुनिया भर में ट्रैवल करना था। कुछ दिनों बाद मुझे अचानक से पटियाला से जाना पड़ा और मैं निम्मी को भी नहीं खबर कर सका। इसके बाद निम्मी मेरे ख्यालों से दूर हो गई और मैं अपने करियर पर ध्यान देने लगा। मेलबोर्न से बस में एक नया जज्बा और एक नया कोल लेकर आया था कि हर हाल में मुझे वर्ल्ड चैंपियन बनना है। इस बीच रणबीर सिंह मेरे साथ कोच की तरह थे। आजा मिल्खा, बस यह आखिरी राउंड था, आज के लिए बहुत है। एक और राउंड जी। चेहरा पिल्ला पड़ गया है दौड़ के, अब आराम कर ले। मिल्खा, पानी ला जी, पानी। तू ठीक है? हाँ जी। दौड़ दौड़ के खून थूक रहा है, किसी दिन बीमार हो जाएगा। लौटने के बाद रनिंग को ही मैंने अपना सब कुछ मान लिया था।
कई बार तो प्रैक्टिस के दौरान मैं खून की उल्टियां कर देता था या बेहोश हो जाता था। दौड़ दौड़ के पसीना निकालना और फिर इस पसीने से पूरी बाल्टी भर देना मेरे लिए रोज का काम हो चुका था। अब और हिम्मत नहीं है। वाहेगुरु इस बार बचा लो, मैं कभी नहीं करूंगा फिर। जब भी मैं थक कर गिर जाता था यही सोचा करता था, लेकिन फिर हजारों की भीड़ मेरे सामने आ जाती। मुझे लगता एक दिन ये लोग मेरा भी नाम चिल्लाएंगे। उस दिन तक मुझे ऐसे ही दौड़ना होगा। 1957 की नेशनल गेम्स में आप सभी का स्वागत है। देश भर से कई चैलेंजेड एथलीट्स आज मैदान पर हैं। ये बात तो साफ है कि दर्शकों में सबसे ज्यादा उत्साह 400 मीटर और 200 मीटर की दौड़ को लेकर है। जी हाँ, हम भी एक्साइटेड हैं। दोनों ही रेस में भारत को ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट करने वाले मिल्खा सिंह भी भाग ले रहे हैं। ओलंपिक से लौटने के बाद देखा जाए तो मिल्खा सिंह का प्रदर्शन शानदार रहा है। पिछले एक साल से वो लगभग सभी रेस जीत रहे हैं, लेकिन क्या आज वो यही कारनामा कर पाएंगे? दर्शकों की तरह हम भी बेसब्री से इसी का इंतजार कर रहे हैं। बैंगलोर नेशनल गेम्स में मैंने वो दोनों रेसेस जीती जहां 400 मीटर की रेस के लिए मैंने 47.5 सेकंड्स का समय लिया, तो 200 मीटर की दूरी में मैंने 21.3 सेकंड में पूरी की। इसके बाद 1958 का साल मेरे लिए और भी अच्छा रहा। 1958 में कटैक में होने वाली नेशनल गेम्स में मैंने दोनों इवेंट्स में नए रिकॉर्ड बनाए, जहां 200 मीटर की दूरी मैंने 21.2 सेकंड्स में पूरी की, वहीं 400 मीटर के लिए मुझे 46.2 सेकंड्स का वक्त लगा। इस जीत में मेरे अमेरिकन कोच डॉक्टर हावर्ड का भी बड़ा योगदान रहा। मिल्खा, यू हैव ब्रोकन द रिकॉर्ड। यस, आई नो, आई वॉन द नेशनल्स लास्ट टाइम एज़ वेल। व्हाट आर यू सेइंग? आई एम टॉकिंग अबाउट द एशियन रिकॉर्ड। जब मुझे खबर दी गई कि मैंने 400 मीटर में एशिया रिकॉर्ड तोड़ दिया तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ। मैंने ऑर्गेनाइजिंग कमेटी से एक बार फिर चेक करने के लिए कहा, वो सही थे। 1958 में टोक्यो में होने वाले एशियन गेम्स में अब मैं एक स्टार एथलीट की तरह पहुंचा। भारत ही नहीं बल्कि अब पूरे एशिया में मेरा नाम फैल चुका था। जापान पहुंचते ही मुझे इस नई शोहरत का एहसास हुआ। मिल्खा सिंह, मिल्खा सिंह, वेयर इज मिल्खा सिंह? टोक्यो में लैंड करते ही हमारे दस्ते को रिपोर्टर्स की एक भीड़ ने घेर लिया था। एशियन रिकॉर्ड तोड़ने के कारण सब मुझे ही वहां खोज रहे थे। हमारे मैनेजर अश्विनी कुमार ने प्रेस के सामने मुझे हाजिर किया। दिस इज मिल्खा सिंह। सर, व्हाट आर योर प्लान्स फॉर दिस इवेंट? मिस्टर सिंह, हाउ डू यू फील टू ब्रेक द एशियन रिकॉर्ड? अच्छी बात यह थी कि मुझे किसी सवाल का जवाब नहीं देना पड़ा। अश्विनी कुमार और हमारे कोच बलदेव सिंह ने प्रेस को हैंडल किया और खिलाड़ियों को दाइची होटल ले जाया गया। होटल पहुंचते ही मेरे सामने ऑटोग्राफ बुक्स की लाइन लग गई थी। अश्विनी कुमार ने तब मुझे वहां से अलग किया। इस चकाचौंध में पागल मत हो जाना मिल्खा, यहां पर सिर्फ अपनी प्रैक्टिस और रेस पर फोकस करो। सभी की ऑटोग्राफ बुक्स मैंने अपने पास रख ली है, तुम्हारे कमरे तक पहुंच जाएगी। एक बार तुम उन्हें साइन कर लो तो मैं उन्हें वापस लौटा दूंगा। I request you all to please excuse us. The athletes have to rest after their long journey. होटल के अंदर घुसने के बाद भी कुछ ऐसा ही माहौल था। We have received many telephonic inquiries regarding Milkha Singh. Kindly give us a time when we can hold a press conference. देखिए, अभी हम एक लंबे सफर के बाद आए हैं और थके हुए हैं। इस समय मिल्खा सिंह का किसी से मिलना मुमकिन नहीं है। We request everyone to excuse us. They can come tomorrow morning at 11. मैं जब बाथरूम के शीशे में अपना चेहरा देख रहा था तो मेरी आंखें लाल थी। शायद थकान की वजह से ऐसा था। मैं शीशे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। मैंने सोचने लगा कि कैसे मुझ जैसा आदमी को इस तरह लोगों का इतना प्यार मिल सकता है।
कुछ देर टब में बैठने के बाद मैं डाइनिंग रूम में पहुंचा। डाइनिंग रूम में मैं देख सकता था कि लोग मुझे पहचानते हैं, सब मुझसे अच्छे से मिले। इस ट्रिप में मेरा रूममेट प्रद्युमन सिंह था, जो कि शॉर्ट पुट और डिस्कस में एशियन चैंपियन था। अगली सुबह हम दोनों ही बस से स्टेडियम पहुंचे। मिल्खा सिंह, प्लीज लेट द प्लेयर्स प्रैक्टिस। 2 घंटे की प्रैक्टिस में कैमरास मुझे लगातार फॉलो कर रहे थे। जब हम वापस होटल पहुंचे तो कई दूसरे रिपोर्टर्स मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के इंतजार में थे। मेरी अंग्रेजी अब पहले से बेहतर थी, लेकिन मेरे जवाब बहुत छोटे ही थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ही होटल में मैं अब्दुल खालिक से पहली बार मिला। मिल्खा, इनसे मिलो। अब्दुल खालिक 100-200 मीटर की स्प्रिंट के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं। ऐसे बहुत से स्प्रिंटर्स के साथ दौड़ चुका हूँ, उनका और मेरा क्या मुकाबला। चलिए ट्रैक पे मुलाकात होगी, अब चलता हूँ। अब्दुल खालिक का ये बर्ताव मुझे अच्छा नहीं लगा। माना कि दोनों देश सालों पहले अलग हो चुके थे, लेकिन हम अभी भी एक ही नस्ल के लोग थे। क्या वो हमारे इलाके की तमीज भी भूल गया था? यही से मैंने अब्दुल खालिक को सबक सिखाने की ठान ली थी। ओपनिंग डे के दिन इस साल पहली बार ओलंपिक्स की तरह एशियन गेम्स में भी एक मशाल जलाई गई थी। मशाल को जापान के रिटायर्ड एथलीट मिकियो ओडा ने लाकर जापान के राजा हिरोहितो के सामने रखा। मिल्खा सिंह, यस, आई एम रनिंग विद यू टुमारो इन द 400 मीटर इवेंट। वेरी वेल, आई फॉलोड योर करियर फॉर अ व्हाइल। Can you give me some tips on running? Oh, sure. मेरी रेस से एक दिन पहले मेरे कई कंपटीटर्स ने आकर मुझसे मुलाकात की और मुझसे एडवाइस भी मांगी। मुझे भी उनके साथ ये सब शेयर करते हुए कोई परेशानी नहीं थी। जब से मैंने होटल में अब्दुल खालिक को देखा था, मैं तभी से उसे हराना चाहता था। लेकिन हमारे 200 मीटर के मुकाबले से पहले मुझे 400 मीटर की रेस भी दौड़नी थी। रेस के दिन मैं काफी रिलैक्स था, जानता था कि मैंने जो मेहनत की है वो रंग जरूर लाएगी। अब जापान के राजा हिरोहितो 400 मीटर की रेस के विजेताओं को सम्मानित करेंगे। तीसरे नंबर पर फिलीपींस है, तो दूसरे नंबर पर जापान, सबसे ऊपर इस समय भारत का झंडा लहरा रहा है। जी हाँ, मिल्खा सिंह ने ना सिर्फ 400 मीटर में भारत के लिए एक एशियन गोल्ड जीता है, बल्कि रेस में अपने 46.5 सेकंड की टाइमिंग से उन्होंने एक और नया एशियन रिकॉर्ड भी स्थापित कर दिया है। अब तीनों देश के राष्ट्रगान का समय है। जनगणमन की धुन आज टोक्यो में गूंज रही है। रेस के बाद मैं अखबारों की सुर्खी बन चुका था। अगली सुबह की हेडलाइन न्यूज, मिल्खा थ्रिल्स क्राउड, द रेफ्यूजी हु रोज टू स्टारडम। Magnificent effort by Milkha sets new 400 meter mark. जैसी हेडलाइन से भरी हुई थी। इस कामयाबी के बाद भी मैं उस रात सो नहीं पाया। क्योंकि अगले दिन मेरा मुकाबला खालिक से था। आज 200 मीटर की इस प्रतियोगिता के लिए दर्शकों के बीच एक अलग ही उत्साह है। और हो भी क्यों ना, भारत के मिल्खा सिंह और पाकिस्तान के अब्दुल खालिक पहली बार आपस में एक दूसरे का सामना करने वाले हैं। जी हाँ, इसमें साथ में ये भी जोड़ दिया जाए कि मिल्खा ने अभी 400 मीटर में गोल्ड जीतकर एक नया एशियन रिकॉर्ड बनाया है, वहीं दूसरी तरफ खालिक भी अपनी 100 मीटर रेस में गोल्ड जीत कर आ रहे हैं। यानी कि ये 200 मीटर का इवेंट आज ये तय कर देगा कि कौन बेहतर एथलीट है। दोनों ही खिलाड़ी इस वक्त फील्ड पर मौजूद हैं और वार्म अप एक्सरसाइज में लगे हुए हैं। कुछ ही पलों में आपको दोनों खिलाड़ी हवा में तैरते हुए नजर आएंगे। ऑन योर मार्क्स, रेडी, सेट। और हमारे सभी 6 फाइनलिस्ट तेजी से फिनिश लाइन की तरफ बढ़ रहे हैं। मिल्खा और खालिक, ये दोनों ही खिलाड़ी आपको सबसे आगे नजर आएंगे। जी, तय करना मुश्किल है कि अभी कौन आगे है। खिलाड़ी अब फिनिश लाइन से सिर्फ कुछ ही यार्ड दूर है। ये क्या, मिल्खा सिंह नीचे गिर गए हैं? जी, ऐसा लगता है कि जब वो फिनिश लाइन के करीब थे तो उनकी कोई मसल खिंच गई थी।
इसी वजह से वो लड़खड़ा कर गिर गए। जी हाँ, आप देख सकते हैं कि वो अभी भी थोड़ी तकलीफ में है। तो क्या इसका मतलब हुआ कि खाली के रेस जीत चुके हैं? क्यों, जब हार सामने आई तो पैर पकड़ कर बैठ गए? गोल्ड जीतना है, मेरे रिटायर होने का इंतजार करो, आ जाते हैं कहीं से भी। शायद यहाँ किसी तरह की कंफ्यूजन है, ऑर्गेनाइजर इस रिजल्ट के बारे में श्योर नहीं है। जी हाँ, दर्शकों को बता दें कि अभी ये तय नहीं हो पाया है कि मिल्खा और खालिक में से किसने फिनिशिंग टेप को पहले टच किया। इस रेस में ड्रामा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब फोटो फिनिश से डिसाइड किया जाएगा कि आखिर जीत किसकी हुई। उस दिन कई कैमरास ने अलग अलग एंगल से फिनिशिंग लाइन के हर फ्रेम को कवर किया था, लेकिन फोटोज को डेवलप होने में आधे घंटे का वक्त लग गया। ये 30 मिनट मेरी जिंदगी के सबसे लंबे 30 मिनट थे। और आखिरकार फैसला सामने आ चुका है। फोटो फिनिश दिखाती है कि खालिक ने मिल्खा के बाद टेप को टच किया, यानी 200 मीटर स्प्रिंट का एशियन गोल्ड भी भारत के हिस्से आया है। जब मैं, खालिक और तीसरे नंबर पर आया एक जापानी खिलाड़ी विक्ट्री स्टैंड पर थे, तो मुझे ख्याल आया कि क्यों ना खालिक को उसकी बातें याद दिलाकर चिढ़ाया जाए, लेकिन मैं इस तरह का एथलीट नहीं था। जल्द ही अखबारों के पन्ने एक बार फिर मेरी कहानी कहने लगे। मैं जब अपने कमरे में पहुंचा तो कई खत और टेलीग्राम मेरा पहले से वहां इंतजार कर रहे थे। जब मैंने उन्हें देखा तो एक पल में मेरी पूरी जिंदगी मेरी आंखों के सामने घूम गई। ओए खबरदार, अगर मेरी बहन ने हाथ लगाया तो। मैं जीत तो गया था, लेकिन ये जीत मुझे उन बुरी यादों के करीब ले गई थी जिससे मैं भागता आया था। मिल्खा, ओए ओए, बाथरूम में क्या कर रहा है? बाहर जश्न मना जा रहा है तेरा। आया शाम के समय हमें राजा के महल में एक दावत अटेंड करने के लिए बुलाया गया। एक इंटरप्रेटर के जरिए उन्होंने मुझसे बात की। महाराज का कहना है कि उन्हें आपको दौड़ते हुए देखकर बहुत खुशी मिली। अगर आप अपनी कोशिश जारी रखते हैं तो एक दिन आप वर्ल्ड चैंपियन भी जरूर बनेंगे। उनसे कहिए कि मेरी कामयाबी जापान के लोगों के प्यार और हौसले अफजाई के बिना मुमकिन नहीं था। जापान से विदाई लेना यहाँ आने से भी ज्यादा मुश्किल था। क्लोजिंग सेरेमनी के आखिरी दिन हम स्टेडियम में इकट्ठा हुए जहाँ हमारे लिए एक शो रखा गया था। जब हम होटल पहुंचे तो चारों तरफ से हमें फैंस ने घेरा हुआ था। कुछ लोग हमारे लिए तोहफे और निशानियां लेकर आए थे तो कुछ ने आकर हमसे ढेरों ऑटोग्राफ लिए। इसके बाद हम भारत के लिए रवाना हो गए। सबसे पहले हम कलकत्ता में लैंड हुए जहाँ हमारा भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद हम दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे। सुना तूने, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हर किसी की तरफ से मिलने का न्योता आया है। लौट कर आने के बाद हमें प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ द्वारा 3 अलग अलग रिसेप्शंस दिए गए। पहला रिसेप्शन पंडित जी ने 3 मूर्ति भवन में ऑर्गेनाइज किया। अमेजिंग रिजल्ट, खासकर 200 मीटर में क्या भागे आप। जी शुक्रिया। मिल्खा सिंह, बहुत नाम सुना आपका, आप आइए मेरे साथ बैठिए। जी पंडित जी। बेटा, तुमने देश को बड़ा गौरव महसूस करवाया। अगर तुम ऐसे ही मेहनत करते रहे तो देखना, तुम्हारा नाम दुनिया के टॉप एथलीट्स में एक दिन जरूर लिया जाएगा। जी पंडित जी, मेहनत जारी है। बहुत अच्छा, इस देश को ऐसे ही नौजवानों की जरूरत है। पंडित जी को मेरे जवाब पसंद आने लगे। इसके बाद धीरे धीरे बात मेरी जिंदगी पर भी पहुंची। जब मैंने उन्हें अपनी जिंदगी की कहानी और बंटवारे के उस साल के बारे में बताया तो वो भी भावुक हो गए। मैं ना ही अतीत बदल सकता हूँ, ना ही उन्हें वापस ला सकता हूँ जो गुजर गए हैं। लेकिन याद रखना मेरे बेटे, तुम अनाथ नहीं हो। मैं और मेरी उम्र के सभी हिंदुस्तानी तुम्हारे माँ और बाप हैं। तुम्हें कभी भी किसी भी चीज़ की जरूरत हो सीधा मेरे पास आ जाना। जनरल थिमाया, इस लड़के का खास ख्याल रखा जाए। इसके अगले दिन हम रक्षा मंत्री वी के कृष्णा मेनन के यहाँ एक रिसेप्शन पर पहुंचे। हमारे जो भी खिलाड़ी देश का गौरव बढ़ाकर हमारे लिए गोल्ड मेडल लेकर आए हैं उन्हें फौज की तरफ से सम्मानित किया जाए। हमने तय किया है कि सभी गोल्ड मेडल लाने वाले खिलाड़ियों को तुरंत प्रमोट कर दिया जाए। रक्षा मंत्री और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल थिमैया के इस फैसले ने
मेरे करियर में तेजी से पंख लगा दिए। मैं एशियन गेम्स में एक नहीं दो गोल्ड मेडल लेकर आया था। इसका मतलब है मुझे एक सिपाही से सीधा एक जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर या JCO बना दिया गया था। अगर मुझे एक ही गोल्ड मिला होता तो मुझे हवलदार के पद पर प्रमोट किया जाता। अगले दिन जनरल थिमैया के रिसेप्शन पर हमारे प्रमोशन का वादा हकीकत में बदल गया। हम सब एक कतार में खड़े होकर अपने नाम का इंतजार कर रहे थे। मिल्खा सिंह, गोल्ड 400 मीटर, गोल्ड 200 मीटर। उन्होंने अपने हाथों से स्टार्स को मेरी वर्दी पर फिक्स किया। फौज की इज्जत और देश की इज्जत अब आपके हाथों में है। मैंने आपकी यूनिट को आपके लिए खास फैसिलिटीज अरेंज करने के लिए ऑर्डर दिए। मैं अपने प्रमोशन को लेकर इतना खुश था कि मैंने अपनी वर्दी उतारने से ही इनकार कर दिया। जैन साहब, जैन साहब। मैंने पूरी जिंदगी अपने सीनियर्स को सैल्यूट किए थे। अब मैं जहां भी जाता था जवान मुझे सैल्यूट किया करते। क्यों से लौटने के बाद निम्मी और मेरा रास्ता एक बार फिर टकराया। हेलो, जिंदगी में कब क्या मिल जाए ये किसी को नहीं पता। मुझे क्या पता था जब मैं किसी इवेंट में मेडल जीतूंगा तो एक साथ दो गोल्ड जीत जाऊंगा। ऐसे ही मैं ये भी नहीं सोच सकता था कि मुझे निम्मी को दोबारा देखने का मौका मिलेगा। लेकिन एक दिन एक फोन आया। हेलो, मिल्खा सिंह जी, आपको बधाइयां। आपने तो टोक्यो में अलिक को हराकर भारत का नाम रोशन कर दिया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप कौन? जी, मैं कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन का प्रिंसिपल हूँ। आपको याद होगा एक बार पहले भी हमारी बात हो चुकी है। हाँ जी, हाँ जी। कैसे हैं प्रिंसिपल साहब? मैं अच्छा हूँ। हम चाहते हैं कि आप हमारे कॉलेज आकर एशियन गेम पर एक लेक्चर दें। अरे नहीं नहीं प्रिंसिपल साहब, वहाँ सभी लोग मेरी उम्र के ही हैं, उन्हें मैं क्या सिखा सकता हूँ। आपके एक्सपीरियंस से सीखने के लिए सभी लोग एक्साइटेड हैं। आप प्लीज मना मत कीजिए, लोग आपकी कामयाबी से इंस्पायर होना चाहते हैं। मैं जब पोडियम पर चढ़ा तो पहली रो में सिर्फ लड़कियां बैठी हुई थी। वहां मुझे निम्मी भी दिखाई दी। एक तरफ मैं अपनी कहानी उन्हें सुना रहा था और वो अपने दोस्तों के कान में कुछ कहती रहती। मैं उससे नजर नहीं हटा पा रहा था। लेक्चर के बाद मुझे स्टूडेंट्स ने घेर लिया और मैं उनके ऑटोग्राफ साइन करने लगा। कुछ ने मेरे साथ तस्वीर भी खिंचवाई लेकिन निम्मी दूर ही रही। मैं भी उस वक्त उससे बात करने के लिए तैयार नहीं था। इंटरनेशनल स्टेज पर नई चुनौतियां मेरा इंतजार कर रही थी। मिल्खा सिंह एशियन चैंपियन तो बन गया था लेकिन अब आगे क्या? मुझे भी एशियन चैंपियन नहीं वर्ल्ड चैंपियन बनना था। क्या वहां परफॉर्म करने के काबिल हो गया था? मेरा अगला स्टॉप कार्डिफ में होने वाली कॉमनवेल्थ गेम्स थी। इन्हें भी उस समय ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स बुलाया जाता था। लंदन में लैंड करने के बाद हम ट्रेन से कार्डिफ पहुंचे। हेलो मिस्टर सिंह, आई एम मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग कमिटी। गुड टू मीट यू मैडम। यू कैन फॉलो दीस सोल्जर्स, दे विल टेक यू फ्रॉम हियर। हमें इसके बाद एक मिलिट्री बेस में ले जाया गया जहां सभी टीम्स के रहने का इंतजाम किया गया था। इसके साथ साथ कार्डिफ आर्म्स पार्क को हमारी प्रैक्टिस के लिए नियुक्त किया गया था। अरे यहाँ तो बहुत कैमरे हैं। हमारे लिए नहीं है। तू तो हमेशा गिरा रहता है रिपोर्टर से। या हमें कौन जानता है यारा, अपनी हस्तियां भी एशिया तक की है। कोई नहीं, रेस वाले दिन बताइयो इन्हें कि मिल्खा सिंह कौन है। मिल्खा सिंह कौन है ये तो मैं खुद भी भूल गया था। 35 देशों के खिलाड़ी यहाँ पर थे। जब मैंने उन्हें प्रैक्टिस करते देखा तो मेरा खुद पर से भरोसा और भी कम होने लगा। यहाँ 6 से 7 फुट के रनर्स मौजूद थे जिनके बीच मैं काफी छोटा नजर आता था। यहाँ पर मुझे डॉक्टर हावर्ड का सहारा मिला। You need to believe in you. It's not hard. You are the best in Asia. You can easily beat them. I'm worried. I may not qualify, sir. Oh, rubbish. Go and do your practice.
and take it easy on yourself. शायद ऐसा पहली बार था जब इस तरह महसूस कर रहा था मैं। रेस शुरू होने से पहले ही मैं साउथ अफ्रीका के मैलकॉम स्पेंस और जमैका के जॉर्ज कैर जैसे स्प्रिंटर्स को देख रहा था। गोल्ड तो क्या, मुझे यहाँ पर फाइनल में क्वालिफाई करने की भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन हावर्ड की कोशिशें असर दिखा रही थी। मैं धीरे धीरे एक के बाद एक कई राउंड्स क्वालिफाई कर गया। आखिर में मैं किसी तरह फाइनल राउंड तक भी पहुंच चुका था। रेस से एक रात पहले हावर्ड मेरे पास आया। How are you feeling? Still nervous? Very nervous. I might have something that will help you. What? A tip. Tip against Spence. I think you can beat all of the players very easily. But you will have to beat Spence. Yes. हावर्ड ने मुझे बताया कि स्पेंस की ताकत उसकी स्पीड नहीं बल्कि उसका स्टैमिना है। अगर मैं धीमी शुरुआत ना करके तेजी से पहले 300 मीटर कवर करूं तो स्पेंस को भी अपनी स्पीड बढ़ानी होगी। जब वो मेरे करीब आने की कोशिश करेगा तभी मुझे आखिरी 100 मीटर में एक्सेलरेट करना है। हावर्ड की तमाम कोशिशों के बाद भी मेरा मन शांत नहीं था। ये तो बस एशिया का शेर है, ये जीतेगा गोल्ड, कहां कहां से आ जाते हैं। ओलंपिक्स में क्या हो गया था इसे? नहीं, उस रात भी नींद नहीं आई। रात भर बुरे सपने मुझे परेशान करते रहे। मैं सुबह रेगुलर वक्त पर बेड से उठकर हॉट वाटर टब में बैठ गया था। रेस शाम को 4 बजे शुरू होनी थी। मिल्खा, मिल्खा कहां खोया भाई? आज तो सारा रंग ही उड़ा हुआ चेहरे का, लगता है किसी गोरी ने अभी तक ऑटोग्राफ नहीं मांगा। मैंने उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन इससे मेरा मन जरूर हल्का हो गया था। हम टीम बस में बैठे थे और जल्द ही स्टेडियम पहुंचने वाले थे तभी हावर्ड आकर मेरे पास बैठ गया। Still not 100%. I feel much better now. Remember, Milka, today's game will either make you or break you. Such a chance won't come for another 4 years, and 4 years is a long time. Yes, I understand. If you follow my tips, you can beat Malcolm Spence. हावर्ड की बातें हमेशा मेरे अंदर एक नया जज्बा भर देती थी, लेकिन उसके जाते ही फिर कुछ बुरा हो जाता था। तू ठीक है मिल्खा? आज सच में चेहरा मुरझाया हुआ है तेरा। कुछ बोल तो सही, 1 घंटे में रेस शुरू है, आज क्या करना है? यार मैनू नहीं लगता मैं दौड़ पाऊंगा। क्यों, क्या हुआ, कोई दिक्कत है? मैनू मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, जाने कैसा बुखार है, पता नहीं शरीर को ज्यादा नुकसान दे रहा है या सर में। तू यही रुक, मैं आता हूँ। कुछ देर बाद हावर्ड वहां पर आया। उसने मुझे फिट रखने के लिए मेरी पीठ और टांगों की मालिश की। मैं फिर से बेहतर महसूस कर रहा था। ट्रैक पर पहुंचते ही मैंने वार्म अप शुरू कर दिया। इस दौरान हावर्ड मेरे पीछे ही खड़ा था और मुझे हौसला देने की कोशिश कर रहा था। और स्वागत है आप सभी का ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम के इस 6th संस्करण में। अब से कुछ ही देर में 400 मीटर की रेस शुरू होने वाली है। इस रेस के लिए एक एक बड़ा खिलाड़ी यहाँ पहुँचा हुआ है। भारत की नजर तो उनके स्टार मिल्खा सिंह पर ही होगी, लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए कि यहाँ कई दूसरे धुरंधर भी मौजूद हैं। जी बिल्कुल, जब आपके साथ साउथ अफ्रीका के मैलकम स्पेंस या फिर इंग्लैंड के जॉन सेल्सबरी दौड़ रहे हो तो कोई भी रेस आसान नहीं है। You have some fans here. All good now? Much better. Thank you for everything. Now go and run like it's your last race. सभी खिलाड़ी अपनी पोजीशन लेने लगे हैं। पहली लेन में आपको इंग्लैंड के जॉन सेल्सबरी नजर आ रहे हैं। दूसरी लेन पर साउथ अफ्रीका के मैलकम स्पेंस है। तीसरी लेन पर जमैका के जॉर्ज कैर। चौथी पर ऑस्ट्रेलिया के केविन कॉस्पर। पांचवी पर कनाडा के टेरी टोबैको और आखिरी में भारत के मिल्खा सिंह। ऑन योर मार्क, वाहेगुरु आज लाज रख ली। गेट सेट। दर्शकों में कमाल का उत्साह है, कोई स्पेंस को चीयर कर रहा है तो कोई कॉस्पर को, लेकिन इन सबसे ज्यादा आवाज इंग्लैंड के अपने सेल्सबरी के लिए सुनाई दे रही है। मिल्खा सिंह ने भी इस रेस में बाकियों से काफी बढ़त बना ली। मुझे लग रहा है कि मैलकम इस समय मिल्खा को ही पीछे छोड़ने के लिए दौड़ रहे हैं।
लेकिन मुझे लगता नहीं है स्पेंस उन्हें पकड़ पाएंगे। मिल्खा सिंह तेजी से फिनिश लाइन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। क्या ये कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का पहला गोल्ड हो सकता है? मेरा शरीर उस वक्त अचानक से बेजान हो गया था। मुझे सिर्फ इसके बाद बेहोश होना याद आया। मैंने जब आंखें खोली तो मेरे टीममेट्स मुझे चारों तरफ से घेर कर खड़े थे। मैं यार कैसे? आराम कर यार, स्ट्रेचर पर उठा लाए हैं तुझे मैदान से। रेस? रेस का क्या है, अब तो पोडियम में चढ़ के गोल्ड मेडल ही लेना है। वो क्यों बोल रहा है? ओ मिल्खा सिंह जी, इतिहास रच दिया आपने, पूरी दुनिया की प्रेस बाहर इंतजार कर रही है। जीत की खबर सुनकर मुझे जो खुशी थी वो मेरे टीममेट्स की खुशी से ज्यादा नहीं थी। उन लोगों ने मुझे अपने कंधों पर उठाया और मेडिकल पोस्ट से वापस स्टेडियम ले आए। तिरंगा अपने शरीर पर लपेट कर मैं स्टेडियम में एक विक्ट्री लैप लेने लगा। मिस्टर सिंह, आई एम फ्रॉम बीबीसी टेलीविजन। हाउ डू यू फील आफ्टर विनिंग द रेस? आई फील नथिंग एट ऑल। आई वॉज लॉस्ट इन अनदर वर्ल्ड। नाउ आई फील लाइक एनी अदर विनर्स इन माई पोजिशन ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। Did you hope to win the race? I had no such hope. UK में भारत की हाई कमिश्नर और पंडित जी की बहन विजय लक्ष्मी पंडित ने भी VIP एनक्लोजर से मेरी जीत देखी थी। वो हमारे मैनेजर अश्विनी कुमार के साथ वहाँ आ रही थी। मिल्खा सिंह, इन्हें जानते हो? जी। आपको मुझे जानने की जरूरत नहीं है, आज तो पूरी दुनिया आपकी वजह से हमारे देश को जान रही है। मैं पंडित जी की बहन हूँ, यहाँ ब्रिटेन में आपकी हाई कमिश्नर। शुक्रिया मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। पंडित जी ने पूछा है बदले और देश का नाम इतना ऊंचा करने के लिए हम आपको क्या इनाम दे सकते हैं? मुझे मेरी एक ही इच्छा है, जब मैं हिंदुस्तान वापस लैंड करूं, एक दिन की छुट्टी डिक्लेयर कर दी जाए। बहुत अच्छे, मैं मैसेज पहुँचा दूंगी, आप अपना बाकी का समय यहाँ एंजॉय कीजिए। हम जब वापस दिल्ली पहुंचे तो एक बड़ी भीड़ ने हमारा स्वागत किया। अपने वादे के मुताबिक पंडित जी ने उस दिन एक दिन की छुट्टी का भी ऐलान कर दिया। मैं अब एक स्टार था, हर घर मेरा नाम जानता था। आखिरकार मेरी सालों की मेहनत के फल सिर्फ मुझे ही नहीं मेरे देश को भी मिल रहे थे। लेकिन इम्तिहान की घड़ी अभी बाकी थी। मेरी कॉमनवेल्थ की जीत के बाद मुझे दुनिया के कई देशों से इन्विटेशन आए। एक ऐसा ही इन्विटेशन मुझे पाकिस्तान से भी आया, वो देश जहां मैं अनाथ हुआ था, जहां से भागना मेरी मजबूरी थी। अब एक बार फिर मेरी किस्मत मुझे वहीं ले जा रही थी। इस बीच अब्दुल खालिक भी अपनी हार का बदला लेने के लिए काफी उतावला था। कॉमनवेल्थ गेम्स में मेरी जीत ने मुझे एक इंटरनेशनल स्पोर्ट्स सेलिब्रिटी बना दिया था। 1958 से 1960 के बीच मुझे दुनिया भर से कई इनविटेशंस आए। इस बीच मैंने कम से कम 80 रेसेस में भाग लिया था, जिनमें से 77 मैंने जीते। लेकिन मेरे लिए सबसे खास दिल्ली में हुए नेशनल गेम्स थे। मिल्खा, इधर। वो तो आ गई। नहीं आना था, सारी दुनिया तेरी बात कर रही है और मुझे पता भी नहीं कि तू करता क्या है। देश में मेडल दिलाता है तेरा वीर। तूने बहुत तकलीफ उठाई है जिंदगी में वीरे, अब तकदीर ने तेरे ऊपर अपना हाथ रखा और तेरी वजह से हमारे ऊपर। दौड़ दौड़ के शरीर मत गला लेना। नहीं सर, दौड़ने से शरीर कमजोर नहीं होता बल्कि मजबूती आती है। अब मैं क्या जानूं, बस अच्छा लगता है तेरा नाम दुनिया भर में देखकर। आज तूने परिवार का मान ऊंचा कर दिया है। अगर आज माँ बापू भी तेरी कामयाबी देख पाते तो कितने खुश होते। तो रोए ना, अब तकदीर तो कौन लड़ सकता है भला। वो ऐसा भी हो सकता है कि मैं इधर होता ही ना, अगर वो सब मेरे साथ ना होया होता तो।
ये देख रही है इंडिया द ब्लेजर, लोका दी बड़ी मेहनत करने के बाद भी कभी कभी नहीं मिल रहा। मैं बहुत खुश हूँ तेरे लिए। ले पहन के देखोगी? मैं? हाँ लड़कियां भी पहनती है। हाँ पर सबके सामने? ले ले आजा इधर इधर हाथ डाल। हाँ हाँ कैसा लग रहा है? बहुत सोना लग रहा है। जिम में हाथ डाली? नहीं नहीं बस ठीक है। वो एक बार अनु देखना सी तो बहुत जिद्दी है। ये क्या? तेरे लिए मैं तेनु तेरी बालियां लुटाना ही भूल गया था। मुझे नशुकरे को भी इतने साल बाद याद आया। वो क्यों होया पसंद नहीं आया तुनु? तूने कभी नाराज किया है मुझे? उस दिन ईशर और उसका परिवार साथ में मेरी दौड़ देखने आए थे, मैं सभी को लेकर स्टेडियम के अंदर चला गया। हेलो मिल्का, आज रेस के लिए तैयार है? बिल्कुल बिल्कुल, तुम अपनी तैयारी रखो। मीट माई सिस्टर ईशर। नमस्ते जी। नमस्ते। बहुत कमाल का भाई पाया है आपने, यहाँ कैसे आना हुआ? रेस देखने आए हैं। बहुत अच्छा, चलो मैं चलता हूँ। मैंने स्टेडियम के अंदर ये ध्यान देना शुरू किया, बहुत से लोग ईशर और उसके परिवार के सादे लिबास से खुश नहीं थे। एक वक्त के लिए मुझे भी शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन फिर मैं गुस्से से भर गया। मैंने उन्हें स्टेडियम में बेस्ट सीट्स दी और उनके साथ बैठा रहा। मिल्खा, वो कुछ इम्पोर्टेंट गेस्ट आए थे मिलने के लिए। उन्हें कहो रेस के बाद मिलेंगे, अभी तो मैं फैमिली के साथ हूँ। Are you sure? अगर 10 मिनट तुम निकाल पाते तो? आज नहीं। ओके। चला जाना हमारे साथ, कब तक बैठा रहेगा? मेरा बस चला है तो मैं यहीं से रेस दौड़ जाऊँ। कुछ खाने का मंगवाना है? चाय पिएगी? हम ठीक है मिल्खा, अभी चाय पीकर ही आ रहे हैं। अच्छा ये तेरी रेस होती कैसे है? वो चक्कर दिख रहा था ना, वहाँ फिनिश लाइन, यहाँ से लोग भागना शुरू करेंगे और वहाँ मैं सबसे पहले पहुँच कर मेडल जीत जाऊंगा। अच्छा पक्का तू ही जीतेगा? तुम नजर घुमाई इससे, सब लोग मैनु ही जीतते देखने आए, लोग हारने नहीं देंगे मैनु। मेडल चक्के मैं सीधा तेरी झोली पा दूंगा ताकि लोग मिल्खा सिंह दी बैंड पहचान सके। सभी 400 मीटर की दौड़ में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से अनुरोध है कि वो ट्रैक पर पहुंचे। मैं चलता हूँ, नजर रखियो, चीते की तरह भागता हूँ मैं। On your mark, get set. पूरी रेस के दौरान ईशर मुझ पर नजर रखने की ही कोशिश कर रही थी। आखिर में मैं ही रेस जीता भी, लेकिन मैं एक बार फिर फिनिश लाइन पार करके बेहोश हो गया। मिल्खा, मिल्खा, ये कहाँ ले जा रहे हैं मेरे भाई को? रुको। अरे मैडम आप यहाँ नहीं जा सकती। मेरे भाई को मार दिया उस बंदूक से, अब मुझे उसके पास भी नहीं जाने दे रहे हो। कौन सी बात? ओह अच्छा, नहीं नहीं मैडम, वो खिलाड़ी बस बेहोश हुआ है, ऐसा हो जाता है कभी कभी। झूठ मत बोलो, मैंने अपनी आंखों से देखा है उसे गोली चलाते हुए। मुझे मेरे भाई के पास ले चलो। मिल्खा सिंह आपका भाई है? तो और कौन बहाएगा उसके लिए इतने आंसू, उसका दूसरा है ही कौन। मैडम आप शांत हो जाइए, मैं आपको उनके पास भेजता हूँ। उस दिन बेहोश मैं हुआ था और जान ईश्वर की निकल रही थी। उसे किसी पर यकीन नहीं था, उसका रोना तब तक बंद नहीं हुआ जब तक वो मेरे पास नहीं पहुंच गए। ईश्वर वीरे, ये सब क्यों करता है तू? छोड़ दे दौड़ना। छट दूं? एक मिनट, हाथ दिए। लेटे रहो मिल्खा, अभी बेहोश हुए। मैं ठीक हूँ डॉक्टर साहब। कम से कम डॉक्टर की तो सुन ले। तू चल मेरे साथ। कहाँ? चल ता। मैं ईश्वर को वापस स्टेडियम के अंदर ले गया। मुझे देखकर लोग एक बार फिर से चीखने चिल्लाने लगे। इसलिए करता हूँ मैं, लोग इसलिए मैं इन्हें प्यार करते हैं क्योंकि मैं दौड़ता हूँ और मेडल जीतता हूँ। दौड़ना छोड़ दूंगा तो कौन मेरे पीछे आएगा? जो भी कर अपना ख्याल रख वीरे। ईश्वर को समझाना मुश्किल था, लेकिन मैं तीनों दिनों तक अलग अलग गेम्स में हिस्सा लेता रहा। इस बीच मैंने कई नए रिकॉर्ड्स अपने नाम किए। 100 मीटर की रेस मैंने 10.4 सेकंड्स में पार की, तो 200 मीटर 20.8 सेकंड्स में, 400 मीटर की दौड़ में मेरी टाइमिंग 46.1 सेकंड्स थी। नेशनल गेम्स के बाद ही हमारी टीम्स को पाकिस्तान सरकार से इंडो पाक स्पोर्ट्स मीट में शामिल होने का न्योता मिला। हेलो जी, मिल्खा सिंह बोल रहे हैं? हाँ जी लीजिए,
पंडित जी आपसे बात करना चाहते हैं। कैसे हो मिल्खा, सब ठीक है वहाँ? सब बढ़िया पंडित जी। मैंने सुना है तुमने इंडो पाक मीट में भाग लेने से मना कर दिया। जी पंडित जी। ऐसा क्यों? आप तो हमारे सबसे बेहतरीन एथलीट में से एक हैं। अब तो जानते हैं पंडित जी, उस मुल्क विच मैंने अपना बचपन गुजारा और उतो ही तफना कर भी आया हूँ। वहां जाने से डर लगता है, वो मंजर कहीं दोबारा। मैं समझता हूँ मिल्खा, तुमने तो एक परिवार खोया है। हमने तो लाखों परिवार उस आग में खो दिए, लेकिन ये वक्त आग को बुझाने का है। वहां जाओ, अपने लिए मत जाओ, मिल्खा सिंह बनकर मत जाओ, पर एक इंडियन एथलीट के नाते तो जाओ। तुम सिर्फ एक एथलीट नहीं हो, बल्कि इस देश के दूत भी हो। जी पंडित जी के कहने से हम लोग भी राजी हो गए। हमने अटारी बॉर्डर पार किया और यहाँ से हम बस से लाहौर के फलेटीज होटल में ले जाया गया। ओए मिल्खा, तू तो यहाँ भी बड़ा मशहूर है। पहले पेज पे फोटो क्या लिखा है? इंडो पाक एथलीट ड्यूएल, अब्दुल खालिक टू मीट मिल्खा सिंह। ओए अखबार छोड़, ट्रेनिंग पे फोकस कर। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जनरल अयूब खान ने नए नए बने गद्दाफी स्टेडियम में स्पोर्ट्स मीट को ओपन डिक्लेयर किया। 30,000 मर्दों और कुछ हजार औरतों के साथ स्टेडियम खचा खच भरा हुआ था। भीड़ का जोश तब बढ़ गया था जब मैं अपनी 400 मीटर और खालिद अपनी 100 मीटर की दौड़ जीत चुके थे। टोक्यो एशियन गेम्स की तरह ही अब 200 मीटर में हमारा आमना सामना होना था। क्या हुआ, आज नींद पूरी नहीं हुई? नहीं कुछ नहीं। तू तो कहां पर आया, बुखार है तुझे? डॉक्टर को बुला लाते हैं। और नहीं नहीं ओए, 2 घंटे की रेस है। जिद ना कर, ऐसे दौड़ेगा तो मर जाएगा। ओए पाकिस्तान में हरना मौत के बराबर है, देखा जाएगा जो होगा। विधि खाली जदों मेरे और माखन सिंह नाम के एथलीट के पास से गुजरा तो पूरा स्टेडियम उसके जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। मैंने अपना बैग जमीन पर रखा और वार्म अप करने लगा, तभी वहां कुछ मौलवी पहुंचे। अल्लाह तुम्हारे साथ रहे खालिक। हम भी उसी खुदा के बच्चे हैं मौलवी साहब, क्या हम दुआओं के हकदार नहीं हैं? रब तेरी भी टांगे सलामत रखे लड़के। रेस शुरू होने से पहले स्टेडियम में अजीब सा सन्नाटा था, सभी उसे एक पल का इंतजार कर रहे थे। On your mark, get set. अब्दुल खालिक जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अब्दुल खालिक जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान के अब्दुल खालिक अभी तक सबसे आगे चल रहे हैं। मिल्खा सिंह भी उन्हें पकड़ने की पूरी कोशिश में। 100 मीटर के फासले पर हम पहुंच गए हैं और मिल्खा सिंह अब खालिक के साथ साथ चल रहे हैं। साथ नहीं, आगे। अब्दुल खालिक फासला कम करने की कोशिश में है, लेकिन मिल्खा को पकड़ा नहीं जा सकता है। और आखिरकार रेस खत्म हुई। 200 मीटर के लिए 20.7 सेकंड का समय, क्या ये वर्ल्ड रिकॉर्ड के बराबर है? जी हाँ, मिल्खा सिंह ने 200 मीटर का वर्ल्ड रिकॉर्ड बराबर कर लिया है। ये खुशी आप हिंदुस्तानी टीम में भी देख सकते हैं। सभी ने मिल्खा सिंह को अपने कंधों पर उठा लिया है। खालिक के लिए भी ये दौड़ कितनी मायने रखती थी, ये मुझे तब समझ में आया जब वो हार के बाद ग्राउंड पर ही लेटकर रोने लगा। मैंने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन शायद वो सही समय नहीं था। एक पूरा मुल्क उसकी जीत की दुआ मांग रहा है और वो उन्हीं के सामने हार कर शर्मिंदा था। मिल्खा सिंह अब स्टेडियम में विक्ट्री लैप लेते हुए। ये जो खिलाड़ी आपके सामने दौड़ रहा है, ये मिल्खा सिंह है। ये भागता नहीं है बल्कि हवा में उड़ता है। ये जीत पाकिस्तान स्पोर्टिंग हिस्ट्री में दर्ज की जाएगी। और ये भी कि हम मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख का लकब देते हैं। मिल्खा सिंह, आज तुम दौड़े नहीं हो बल्कि उड़े हो। फ्लाइंग सिख का टाइटल जनरल अयूब खान की देन था, उस देश की जहां मैं कभी अपना सब कुछ गवा आया था।
विक्ट्री लैप लेते हुए मैं कई पाकिस्तानी पर्दा नशीन औरतों के करीब से भी गुजरा। मुझे देखने के लिए उन्होंने अपने बुरके के नकाब हटा लिए थे। अगले दिन ये खबर पाकिस्तानी अखबारों में भी खूब रिपोर्ट की गई, लेकिन अब खेल तमाशे का वक्त खत्म हो चुका था। 1960 का रोम ओलंपिक्स मेरे सामने था। रोम तो मंजिल थी, लेकिन उससे पहले मुझे कई दूसरे देशों से भी होकर गुजरना था। जर्मनी, यूके और सोवियत यूनियन, बहुत से देशों के एथलीट मुझे आजमाना चाहते थे। मैं भी उन्हें देखना चाहता था। पाकिस्तान से लौटने के बाद हमें जल्द ही यूरोप के एक लंबे टूर पर रवाना होना पड़ा। इस टूर का आखिरी स्टॉप रोम ओलंपिक्स था। मैं इंडियन टीम का कैप्टन था और इस बीच मैंने जर्मनी में कॉफमैन से लेकर इंग्लैंड और सोवियत यूनियन के रेसर्स को उन्हीं के यहाँ हराया। लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती एक दूसरे देश से आई। मिल्खा, तेरी चिट्ठी आई है। कहाँ से? पता नहीं, देख क्या है। फ्रांस? वो ए कौन है यार? मिल्खा है? तेरी मौत लिखी होए। वो फ्रेंच एथलीट याद है, 45.9 वाला अब्दुल साय? फ्रांसीसी चाहते हैं कि मैं उनके यहाँ आकर ओलंपिक्स की एक प्रीलिमिनरी रेस दौड़ूं। तेरा अपना टाइम कितना आ रहा है? आजकल 46 के करीब है। फिर तो कोई सवाल ही नहीं बनता जाने का। वो ऐसी भी की बात है, आज नहीं तो कल भिड़ना है। अभी से अगर फाइनल्स में क्वालिफाई नहीं कर पाया तो? वो फाइनल में अब्दुल साय मिल गया तो ज्यादा दिक्कत हो जानी है। बाकी मेडल्स पे तो दावा ठोका जा सकता है। बाकी मेडल कौन पूछता है, बात ओलंपिक गोल्ड लाने की है तो गोल्ड पर ही नजर होनी चाहिए। मैंने आखिरकार फ्रांस जाने का फैसला कर लिया। रोम ओलंपिक शुरू होने से एक हफ्ते पहले ये रेस ऑर्गेनाइज की गई। यूं तो इस रेस में इंग्लैंड और जमैका जैसे देशों की भी स्प्रिंटर्स मौजूद थे, लेकिन मेरी नजर सिर्फ अब्दुल पर थी। मैं अभी तक जितनी भी रेसेस जीतता हुआ आया था उनमें मेरे और बाकियों के बीच में कई यार्ड्स का फैसला होता था। क्या इस बार ये मुमकिन था? तुम्हें तो हराना ही होगा उसको, मिल्खा सिंह। उस दिन मैं ऐसा दौड़ा कि मैं अपनी हर एक मसल पर पड़ता शोर महसूस कर सकता था। जब मैंने फिनिश लाइन टच की तो मेरा टाइम 45.8। गुड जॉब मिल्खा सिंह। अब्दुल शायद की टाइम सी? उसे छोड़ो, तुम्हें एहसास है तुमने क्या किया है? तुमने ओलंपिक वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है मिल्खा। क्या? 49.9 से 45.8। ओ हाय गुरु, इस बार इंडिया को कोई नहीं रोक सकता। इस रेस के बाद मेरे साथ सभी एथलीट्स को यकीन हो चुका था कि ओलंपिक्स में भारत ने गोल्ड मेडल पक्का कर लिया है। यही वजह थी कि ओलंपिक फाइनल की हार से मुझे काफी निराशा हुई और मैंने रिटायर होने का फैसला कर लिया। कुछ वक्त बाद जब लोगों ने मुझे मेरा फैसला बदलने के लिए मजबूर किया तो मुझे भी पीछे हटना पड़ा। मुझे एहसास हुआ कि मैंने ये फैसला होश में रहकर नहीं लिया है। मैंने अपना करियर एक बार फिर से शुरू करने की ठान ली और तभी मुझे एक प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी भी मिली। पंजाब सरकार और खासकर उनके सीएम प्रताप सिंह कायरों 1961 से ही मेरे पीछे लगे थे कि मैं फौज छोड़कर उनकी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ज्वाइन करूं। ओलंपिक्स की हार के बाद मैं फिर कायरों साहब से मिला। इस बार मैं तैयार था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि फौज मुझे छोड़ने के लिए तैयार होगी या नहीं। ये सुनकर कायरों साहब मुझे पार्लियामेंट हाउस के एक फंक्शन में अपने साथ ले गए। पंडित जी, मैं चाहता हूँ कि यंग एथलीट्स को आगे लाने के लिए मिल्खा सिंह हमारे डिपार्टमेंट को लीड करें। मिल्खा सिंह ही क्यों? इस प्लान के लिए जरूरी है कि एक्सपीरियंस्ड और सेलिब्रेटेड एथलीट्स इस प्रोग्राम को रन कर रहे हो, ना कि सरकारी अफसर। मिल्खा सिंह के बिना ये मुमकिन नहीं है। पर मिल्खा को आर्मी से निकलना आसान नहीं होगा। फौज में कोई नहीं चाहेगा कि इतना बड़ा एथलीट उन्हें छोड़कर एक सिविलियन जॉब करने लगे। इसीलिए तो मैं आपके पास आया हूँ। मैं देखता हूँ कि क्या किया जा सकता है। आप ही को कुछ करना होगा। मैं मिल्खा सिंह को इलेक्शन लड़वाने की बात नहीं कर रहा हूँ,
बल्कि देश के यंग एथलीट्स को एक नया चांस देना चाह रहा हूँ। तुम बात तो ठीक कर रहे हो। इसके बाद पंडित जी वी के कृष्ण मेनन और जनरल थिमैया से बात करने लगे। मिल्खा सिंह अगर चाहते हैं कि उन्हें अब पंजाब सरकार में काम करना है तो हमें भी इसका सम्मान करना चाहिए। आप लोग जल्द से जल्द उन्हें फ्री करने की तैयारी कर दीजिए। क्या आप इस डिसीजन के बारे में श्योर हैं? फैसला मेरा नहीं है मिल्खा का है, पर वैसे भी मिल्खा सिंह एक इंडियन है तो क्या फर्क पड़ता है कि वो आर्मी के साथ रहे या पंजाब सरकार की। वैसे भी उन्होंने दौड़ना थोड़ी ना छोड़ा है, क्यों मिल्खा जी? पंडित जी शायद इशारों में कहना चाह रहे थे कि वो मेरे स्पोर्ट से रिटायरमेंट ना लेने के फैसले से खुश थे। चलो ठीक है। लेकिन जनरल थिमैया इस सबसे बिल्कुल खुश नहीं थे। मुझे कोने में ले गए। यंग मैन, तुम मेरे बेटे जैसे हो और तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। सिविलियन जॉब में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, यह फौज की तरह नहीं है कि तुम्हें एक स्टेबल करियर मिलेगा। मैं समझता हूँ सर। तुम्हारा फैसला जो भी होगा उससे इनकार नहीं किया जाएगा, लेकिन हम तुम्हें कुछ दिनों में लेफ्टिनेंट के पद पर प्रमोट करने वाले थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें अपने फैसले पर बाद में पछतावा नहीं होगा। जनरल की बात में दम था, लेकिन अब कार्यवाही बहुत आगे बढ़ चुकी थी। अगले ही दिन सिकंदराबाद में मेरी यूनिट को टेलीग्राम भेजा गया कि मेरे डिस्चार्ज पेपर्स तैयार करने शुरू कर दिए जाएं। आर्मी से रिटायर होने के बाद मैं 4 महीने की एक लंबी छुट्टी पर चला गया, लेकिन मुझे अभी भी पता नहीं था कि मेरी जॉब है क्या। मैं तो स्पोर्ट्समैन था, ऑफिस के अंदर कैसे काम किया जाता है ये मुझे नहीं पता था। नवंबर 1961 में मुझे पता चला कि सरकार ने मेरे लिए डिप्टी डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स की एक नई पोस्ट क्रिएट की गई है। मैं दिल्ली में रहता था और रोज 4 घंटे ड्राइव करके चंडीगढ़ पहुंचता था। ये जिंदगी आसान नहीं थी, लेकिन दिल्ली ने मुझे एक बार फिर निम्मी से मिलवाया और इस बार मैं उसे आसानी से नहीं जाने दे सकता था। एक दिन मैं स्टेडियम में अपनी प्रैक्टिस में लगा हुआ था जब मुझे एक वॉलीबॉल मैच देखने के लिए बुलाया गया। मैं कुछ देर के लिए वहां चला गया। देवी और सज्जनों, हम सभी के लिए बहुत गर्व की बात है कि मिल्खा सिंह द फ्लाइंग सिख हमारे मैच में पहुंचे हैं। अचानक से सबकी नजरें मेरी तरफ चली गई। मैं आराम से वहां नजरें झुकाते हुए सीट पर बैठ गया। सत श्री अकाल। निम्मी? निर्मल? मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि अचानक से दिल्ली में निम्मी कैसे मेरे सामने आ गई थी। निम्मी भी अब तक काफी बदल गई थी। जिस निम्मी को मैंने हमेशा सलवार कमीज और 2 चोटियों के साथ देखा था वो आज साड़ी में थी। उसके बाल एक बन में बंधे हुए थे और वो कॉन्फिडेंस से भरी नजर आती थी। क्यों, पहचाना नहीं? तुम यहाँ कैसे? ये मेरी लड़कियां हैं। मैं DPE इंस्ट्रक्टर हूँ यहाँ कॉलेज में। कौन सा कॉलेज? लेडी इरविन। ओए, मैं तेनू बता नहीं सकता। ओए, मैनू कितनी खुशी हो रही तेनू इधर देख के। उसे देखकर मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि मैं कैसे उसे इतने सालों तक भूल गया था। ऐसा लग रहा था कि जैसे एक बार फिर उसे प्यार करने लगा हूं। उसने मुझे चाय के लिए अपने हॉस्टल में मुझे चाय पर बुलाया। मैं माफ करिए निम्मी, उस दिन जाने से पहले तुम्हें बता नहीं पाया। फिर कॉलेज में भी तुम मुझे नहीं मिली। तुम तो आजाद पंछी की तरह हो मिल्खा, कभी एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर। मैं वो दुख भरा पेड़ हूँ जिस पर तुम कुछ वक्त के लिए बैठे और फिर उड़ गए। क्या तुमने फिर कभी सोचा कि मेरा क्या होगा? बोलो। मेरे पास तेरे सवालों से कोई जवाब नहीं है निम्मी। इस दिन के बाद मैं और निम्मी हमेशा हमेशा के लिए आपस में बंध गए। हम समझ गए थे कि एक दूसरे के साथ ही हमारी जिंदगी है। इसके बावजूद मेरा दिल्ली में रहना मुमकिन नहीं था। मैं 8 घंटे के सफर और दफ्तर की नौकरी से परेशान हो चुका था। यही शिकायत लेकर मैं कायरो साहब के पास पहुंचा। कायरो साहब, आप अपनी यह नौकरी वापस रख लीजिए। मिल्खा, क्या हुआ? मैंने उन्हें सारी बात बताई और कहा कि आने वाले एशियन गेम्स में प्रैक्टिस करने के लिए मुझे वक्त ही नहीं मिलता है। तुम बस 1 मिनट रुको मिल्खा। जी, प्रताप सिंह कैरो बोल रहा हूँ। स्पोर्ट डायरेक्टर से मेरी बात करवाइए। हाँ जी, सत श्री अकाल। ये मैं क्या सुन रहा हूँ, आपने मिल्खा सिंह जैसे एथलीट को ऑफिस के अंदर बिजी किया हुआ है? मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन कुछ महीने में एशियन गेम्स है, वहाँ क्या आप दौड़ने वाले हैं?
देखिए, मिल्खा सिंह की प्रायोरिटी देश के लिए दौड़ना है। मैंने उसे कह दिया है कि उसे प्रैक्टिस के लिए जितना टाइम चाहिए उसे दिया जाए। इसके अलावा उनका हर दिन ऑफिस में आना भी जरूरी नहीं है। जी शुक्रिया, अब ठीक है? जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी इस मीटिंग के बाद मुझे चंडीगढ़ में रहने की जगह दी गई। इसके साथ साथ मेरे ऑफिस आवर्स को भी कम कर दिया गया। अब मैं अपनी प्रैक्टिस भी जारी रख पा रहा था और फाइल इधर उधर करने के बजाय सरकार के अंदर भी प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा था। अब अगला इवेंट था जकार्ता में होने वाली 1962 की एशियन गेम्स। 400 मीटर के इस इवेंट में हम सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं। सभी खिलाड़ी वार्म अप के बाद अपनी पोजीशन ले चुके हैं। वैसे तो हर बार ही इस इवेंट में लोगों की नजर मिल्खा सिंह पर होती ही है, पर ये रेस उनके लिए भी खास है। जी हाँ, आपको याद होगा 2 साल पहले मिल्खा सिंह ने अपनी रिटायरमेंट की घोषणा कर दी थी, लेकिन वो आज एक बार फिर मैदान पर है। क्या एक बार स्पोर्ट छोड़ने का फैसला करके वापस आना एक खिलाड़ी को डिस्ट्रैक्ट कर सकता है? क्या मिल्खा सिंह आज भी उसी तेजी से दौड़ सकते हैं जैसा पहले दौड़ा करते थे? आज जानने में मजा आएगा। जी हाँ, रेस शुरू होने में बस 30 सेकंड बाकी है। ऑन योर मार्क्स, रेडी, सेट। सभी खिलाड़ी तेजी से आगे बढ़ते हुए। मिल्खा सिंह को देखिए, आज भी दूसरे एथलीट को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। जी हाँ, लेकिन मिल्खा अभी भी पीछे हैं। उन्हें जल्द ही यह फासला मिटाना होगा। आधी रेस खत्म हो चुकी है। मिल्खा सिंह लीड में आते हुए दिखाई दे रहे हैं और अब मिल्खा सिंह पहली पोजीशन पर है। वो तेजी से फिनिश लाइन की तरफ बढ़ रहे हैं और मिल्खा सिंह एक बार फिर 400 मीटर की इस दौड़ में गोल्ड मेडलिस्ट बन गए हैं। उन एशियन गेम्स में भी मैं एक नहीं बल्कि 2 गोल्ड जीता था। मेरा दूसरा गोल्ड 4x400 मीटर रिले रेस में था। इसके बाद मैं दोबारा अपनी नौकरी पर लौट गया। चंडीगढ़ में मैं अकेला था, ना यहाँ मेरे दोस्त थे और ना ही निम्मी। हर वीकेंड पर मैं दिल्ली आया करता था ताकि उसके साथ वक्त बिता सकूं। एक शाम मैं निम्मी को उसके हॉस्टल से पिक करके अपनी फीएट कार में मथुरा रोड से गुजर रहा था। हम लोग बातों में इस कदर बिजी थे कि मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरी कार पेमेंट से टकरा गई। मिल्खा, तुम ठीक हो? हाँ। वहाँ काम कर रही एक मजदूर औरत को चोट लग गई थी। जल्द ही भीड़ ने हमारी कार को घेर लिया। मिल्खा, ये क्या हो रहा है? तुम चिंता मत करो। निम्मी, तो अंदर ही रहिए। मिल्खा, बाहर मत जाओ। रुको रुको, तुम रुको। क्यों सरदार जी, गरीबों की जान की कोई कीमत नहीं है क्या? भीड़ गुस्से में थी। कार के अंदर बैठी निम्मी हम दोनों के लिए चिंता कर रही थी और दूर दूर तक मदद करने वाला कोई नहीं था। आखिर मैंने ये क्या कर दिया था? मुझे मैंने माफ कर दी, मैंने जानबूझ के नहीं किया है। इसको पुलिस के हवाले कर दो। नहीं नहीं, पैसे वाला आदमी है, 150 देकर छूट जाएगा। ऐसे लोगों को ठीक करना बहुत जरूरी है। देखिए, आप लोग शांत हो जाइए, जिसे बुलाना हो बुला लेना, पर पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। भीड़ अब बढ़ने लगी थी। कुछ लोगों ने मुझे पहचान भी लिया था, लेकिन वो मेरी कोई मदद नहीं कर सकते थे। मैंने उनसे अपील की कि वो बस निम्मी को सेफली कॉलेज ले जाए। मिल्खा, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रही हूँ। प्लीज इनके साथ चली जाओ, मैं तुमसे आकर मिलता हूँ। प्लीज गो। किसे चोट आई? आप एक काम कीजिए, मेरे साथ हॉस्पिटल चलिए प्लीज। भीड़ को शांत करने के बाद मैं उस औरत को कार में बैठाकर हॉस्पिटल ले आया। मिल्खा जी, टांग में थोड़ा फ्रैक्चर है, लेकिन शी विल बी फाइन इन सम टाइम। बस इलाज सही से चलता है। कोई नहीं जी डॉक्टर साहब, आप जो बेस्ट हो वो करिए, सारा खर्च मैं उठा लूंगा। फिर मैंने उस औरत के पति को उसकी 1 महीने की तनख्वाह भी देने का वादा किया। मुझे लगा कि यही करना ठीक होगा। इसके बाद मैं और निम्मी दिल्ली में मिलते रहे। जल्द ही उसने मेरे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट ज्वाइन कर ली और अब हम दोनों फिर से साथ आ गए थे।
लेकिन चंडीगढ़ छोटा शहर है और यहाँ पर बात तेजी से फैलती है। निम्मी और मेरा रिश्ता लोगों की नजरों में गलत था। आयरो साहब को जब इसकी खबर मिली तो वो भी खूब गुस्से में थे। आयरो साहब, आपने बुलाया? दरवाजा बंद करो, तुमसे कुछ बात करनी है। मिल्खा, देखो तुम मेरे बेटे जैसे हो और मैं तुम्हारी बहुत इज्जत भी करता हूँ। बात की है? वो तो तुम बताओगे, तुम्हारे डिपार्टमेंट में क्या चल रहा है। मैं समझा नहीं। निर्मल के पिताजी खानदानी आदमी है और मेरे दोस्त भी है। उन्होंने खत लिखकर मुझे तुम्हारे और निर्मल के बारे में बताया है। इसके अलावा भी मुझे मेरे लोग ऐसी खबरें देते रहते थे, लेकिन मैंने कभी उन्हें सीरियसली नहीं लिया। साहब लेकिन लेकिन क्या मिलखा? तुम्हारी निर्मल से नजदीकियां अब पब्लिक स्कैंडल बन चुकी है। अरे साहब, आप मेरी बात तो सुनो। आपको फिर भी मुझसे शिकायत हो तो मैं इस्तीफा देकर चंडीगढ़ से चला जाऊंगा। और कायरो साहब, एक बार आप शांत होकर सुने। कहो। जी मैं नहीं जानता हूँ कि आपने क्यों सुने, लेकिन ऐसा सच है कि मैं और निर्मल एक दूसरे को पसंद करते हैं। आज से ही नहीं बल्कि कई सालों से हमारा रिश्ता ऐसा ही। लेकिन तुमने इसमें अब मुझे भी इन्वॉल्व कर दिया है, ऐसा नहीं चल सकता। अरे साहब, मैं उससे प्यार करता हूँ और अधे नाल व्याह करूंगा। ऐसी बात है तो जल्द से जल्द शादी कर लो, या तो उससे मिलना छोड़ दो। हमारी शादी से आपको कोई दिक्कत नहीं है? मुझे क्यों दिक्कत होगी? जब सीएम की रजामंदी थी तो मुझे लगा था कि शादी में कोई परेशानी नहीं होगी, और मैं कितना गलत था। ये 60 के दशक का भारत था, वो निर्मल सैनी हिंदू थी, मैं मिल्खा सिंह सिख। इंटर कास्ट शादियों को लेकर दोनों के ही परिवार में तनाव रहा। निर्मल के पिता चौधरी महरचंद सैनी बड़े आदमी थे और आर्या समाजी थे। जब उन्हें हमारी खबर मिली तो उन्होंने निम्मी को चंडीगढ़ से पठानकोट आने के लिए कहा। ओए, उस सरदार से शादी करेगी तो परिवार की इज्जत का क्या होगा? और मेरा क्या? बेटा, तेरे लिए हमने लड़का देखा तो है। मुझे उससे शादी नहीं करनी है। क्या परेशानी है उसमें? लड़का इंजीनियर है, अभी कनाडा से लौट कर आया है। मैं आप दोनों को बता रही हूँ कि या तो मैं मिल्खा से शादी करूंगी या फिर सारी उम्र मुझे कुंवारा ही देखोगे आप। बेटा, इन धमकियों से मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। हाँ तो मैं भी पीछे नहीं हटूंगी। आपको जो ठीक लगे वो कीजिए। पठानकोट में रहते हुए निम्मी पर शादी का बहुत दबाव बनाया गया। वो जब लौटी तो मेरे कंधे पर सर रख कर रोने लगी। आखिर में हमारी मदद के लिए खुद कायरों साहब आगे आए और उन्होंने निम्मी के पिता से मुलाकात की। सैनी साहब, देखो जिद किसी ना किसी को तो छोड़नी पड़ेगी। नहीं सिंह साहब, ये मेरे लिए मुमकिन नहीं है। आप समझ नहीं रहे हैं, दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हाँ तो दोनों एक दूसरे से शादी करने के लिए भी तैयार है। अभी तो आपकी इज्जत के कारण दोनों चुप बैठे हैं, लेकिन कल के दिन अगर दोनों कोर्ट में शादी कर लेंगे तो कौन रुकेगा उन्हें? क्या बात कर रहे हो, निम्मी ऐसा कभी नहीं करेगी। मैं भी चाहता हूँ कि ना करे सैनी साहब, पर अगर वो ऐसा कोई कदम उठाते हैं तो मैं उनकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। कानून के मुताबिक उस वक्त मेरे हाथ पूरी तरह बंधे होंगे। सोचिए तब आपकी इज्जत का क्या होगा, जब लोगों को पता चलेगा कि बेटी ने घर से भागकर शादी की है। पर सैनी साहब, लड़का इंटरनेशनल एथलीट है, दुनिया भर में देश का नाम ऊंचा करने में लगा हुआ है। सोचो जब वो आपके घर का दामाद बनेगा तो आपकी इज्जत कम नहीं होगी बल्कि और भी बढ़ेगी। आयरो साहब के कहने पर निम्मे के पिता मान गए और 4 मई 1963 के दिन मेरी बारात चंडीगढ़ से पठानकोट के लिए रवाना हुई। अब तक ईशर और उनके परिवार वाले भी हमारी शादी के पक्ष में नहीं थे, लेकिन उन्हें समझ आ गया था कि मैं उनकी बात नहीं सुनने वाला। वो मेरी सहरबंदी के लिए पहुंचे और सभी रीति रिवाजों में उन्होंने हिस्सा लिया। कर ली तूने अपने मन की? अब आज के दिन शुरू ना हो, तनु पता है कितनी मुश्किल के बाद ये शादी हो रही है। तू खुश है? बहुत भाई। ऐसे खुशी अच्छा लगता है तू। शादी के बाद 1964 के टोक्यो ओलंपिक्स में भी पहुंचा। ये रेस मेरी आखिरी रेस थी जिसके बाद मैंने अपने स्पोर्ट्स करियर को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। मेरा ओलंपिक गोल्ड का सपना इस बार भी अधूरा ही रह गया था, लेकिन स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर के नाते अब मेरी ये जिम्मेदारी थी कि मैं भारत को और भी कई मिल्खा सिंह दूँ। मिल्खा, क्या आपका रिटायरमेंट का फैसला आखिरी है या आप एक बार फिर लौटेंगे? पिछली बार मैं इसलिए लौटा था
क्योंकि मैंने बहुत जल्दबाजी में वो फैसला ले लिया था। मैं बहुत निराश भी था, लेकिन इस बार बहुत सोच समझ कर फैसला लिया। सर, आप देश में स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए आप क्या करेंगे? सरकार कोशिश कर रही है, हमारी फौज भी हमें टॉप क्लास एथलीट्स हर साल लाकर देती। अगर आप मेरी बात करें तो मैं आज से ऐलान कर रहा हूँ कि जो भी इंडियन एथलीट मेरा ओलंपिक्स में 45.6 सेकंड का रिकॉर्ड तोड़ेगा उसे मैं 2,00,000 रुपए का इनाम दूंगा। मैंने अपनी बाकी की जिंदगी इस देश की अगली नस्लों को तैयार करने में बिताई। स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में हमने कई टूर्नामेंट्स अरेंज किए और साथ ही यंग एथलीट्स को बचपन से ही सभी फैसिलिटीज देने की व्यवस्था की। इस बीच एथलीट्स के बीच बढ़ रहे डोपिंग के केसेस ने भी मुझे कई बार निराश किया। मैंने हमेशा कोशिश की कि एक खेल में ईमानदारी जरूर हो। मुझे खुशी है कि मेरा बेटा जीव मिल्खा सिंह भी एक एथलीट है। तब जाने मुझे गोल्फ का शौक लगा और मुझे देखते देखते मेरा बेटा एक दिन भारत को विदेशों में रिप्रेजेंट करने लगा। जितना लंबा मेरा जीवन रहा है उसमें कई किस्से ऐसे होते हैं जिन्हें आप कोई नाम नहीं दे सकते। मुझे याद है एक बार वाजपेयी सरकार ने मुझे अर्जुन अवार्ड देने की पेशकश की थी। मैं उस समय पद्मश्री से सम्मानित था। मैंने उन्हें कहा कि ये तो वही बात है कि मास्टर्स डिग्री होल्डर सेकेंडरी स्कूल का सर्टिफिकेट दे रहा हो। मैंने अवार्ड लेने से इनकार कर दिया। ये अवार्ड उनका है जो मेरे सपनों को आज भी अपने अंदर जिंदा रख कर बैठे हैं। वो लोग जो एक दिन ओलंपिक रिकॉर्ड तोड़कर भारत को गोल्ड दिलाने की ठाने हुए हैं। मेरी ये कहानी उन्हीं लोगों के लिए है।